जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं, ऑडियो वीडियो कैसी है बताइए। बहुत परफेक्ट है। तो चलिए, कल की क्लास में हमारा इशू आ गया था और कल हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्सर टॉपिक करने वाले थे, लेकिन अचानक से जो है वो पावर कट हो गया। पावर कट नहीं, मतलब वाईफाई इशू हो गया यहाँ पे, जिसके वजह से हम लोग काफ़ी देर तक लाइव थे, बफरिंग हो रहा था, लेकिन उसके बाद जो है वीडियो हमारी चल नहीं पा रही थी। तो आज बहुत ही जोश शोर के साथ एकदम जो है हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको काफ़ी कुछ दिखाने वाला हूं यहां पे कि मिक्सर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको टैकल कैसे कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक मिक्सर की। और देखिए, इसके पहले हम टॉपिक को शुरुआत करूँ, उसके पहले मैं आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ दूंगा। बहुत लोगों को क्या लगता है कि मिक्सर एक ऐसा टॉपिक है जिसको आसानी से बनाया जा सकता है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग टॉपिक भी है और इसके सवाल उसी लेवल के होते भी हैं कि आपको परेशान करें। आज आप लोग बस एक काम करना, शुरू से लेकर अंत तक मेरी इस पूरी वीडियो को देख लेना, उसके बाद देखना कि मिक्सर पर जो आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, जो आपका अप्रोच था, उसको मैंने किस तरीके से बदल के और कहां पर पहुंचा दिया। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिससे पेपर में क्वेश्चन आता है और अगर आ गया ढंग का सवाल तो बनता नहीं है किसी से। अगर 10 टाइप हैं तो जनरली 3-4 टाइप का ही यूट्यूब पर डिस्कशन है, 3-4 टाइप के ही बारे में बताया जाता है और उसके बाद बच्चा वहीं टाइप को याद करके बैठा हुआ है, सीख कर बैठा हुआ है, और उसके अलावा अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो वो वहाँ पर बना नहीं पाता है। ये उसके साथ बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सारे टाइप क्लियर कराने वाला हूँ, सारे के सारे पॉइंट बताने वाला हूँ। हो सके तो इस वीडियो को आपको 2 या 3 बार भी देखने की आवश्यकता पड़े क्लास के बाद। ठीक है, क्योंकि कंटेंट ही इसका ऐसा है। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और मेरे भाई हर जगह पर शेयर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी वक्त लगा इस कंटेंट को बनाने में, बहुत एनर्जी लगी है। ठीक है, तो हर जगह पर शेयर करिए। तो आज की क्लास में हम मिक्सर करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एलिगेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट में। रोज़ रात 8:30 बजे हमारी ये क्लास होती है, तो आप लोग लाइव रहा करो महाभारत बैच में। और इस महाभारत बैच में जो है ये हमारा अपडेटेड नया बैच है यूट्यूब पर, जिसमें हम फ्री में आपको क्लासेस करा रहे हैं और सभी एग्ज़ाम्स के लिए मेरे भाई करा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे भाई मिश्रण के। यहाँ पे भाई साहब पूरा अपना दिमाग लगाए हुए हैं और मिश्रण के बारे में हम जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, मिश्रण एक ऐसा टॉपिक है, तो मिश्रण के बारे में अगर हम बात करें तो मिश्रण हमारा रेशियो से ही निकला हुआ टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा बस यहाँ पर ये है, ठीक है, कि इसके खुद के अपने वैराइटीज़ हो जाते हैं जो इसको उस चैप्टर से अलग बनाता है। मिक्सर को पढ़ने के बाद हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, तो मिक्सर को पढ़ने के बाद हम यहाँ पर एलिगेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम मिश्रण के बारे में बात करें तो इसमें काफ़ी सारे टाइप हो जाते हैं। जब हम किन्हीं 2 मिक्सर को मिलाकर बनाएं, 3 मिक्सर को मिलाकर बनाएं, 4 मिश्रण को मिलाकर बनाएं, उसके अलावा यहाँ पर ये भी है कि कैसे हम मान लीजिए 10 लीटर क्वान्टिटी निकाल रहे हैं, उतना ही क्वान्टिटी डालते हैं, या 10 लीटर निकाल के 2 लीटर डालते हैं, तो ऐसे कर करके बहुत सारे सवाल हमारे बनते चले जाएंगे। ठीक है, छोटा सा हम आपको ब्रीफ देंगे यहाँ पर मिश्रण के बारे में कि मिश्रण हमारा है क्या। तो जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक जार है, ठीक है, और ये जार जो है इसके अंदर क्या हो गया, ए और बी नाम का कोई लिक्विड हो गया। ए जैसे मान लीजिए, या मिल्क और वाटर भी हम कह सकते हैं कि सर इसके अंदर क्या हो गया, तो मिल्क और वाटर नाम का हमारा 2 लिक्विड हो गया। हो सकता है इसके अंदर मिल्क 2 लीटर हो और वाटर हमारा 3 लीटर हो। इसको किसी और जार के साथ मिक्स किया जाता है। अब जिसके साथ मिक्स किया जाएगा, इसके 3 संभावनाएं हो सकती हैं, या तो ये कम्प्लीटली मिल्क हो, या ये कम्प्लीटली वाटर हो, या फिर ये भी एक ऐसा मिश्रण हो जिसके अंदर मिल्क और वाटर का जो है कुछ फलाना ढिकाना रेशियो दिया गया हो। जैसे मानो मिल्क 3 यूनिट तो वाटर 2 यूनिट। अब इनको किसी किसी रेशियो में मिलाकर हम बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पर अलग अलग तरह के सवाल हमारे बनते हैं। तो एक एक टाइप, एक एक कैटेगरी बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और शुरू करते हैं यहाँ पे। मिश्रण में जनरली हम 2 तरह के लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं हमेशा, कभी भी 3 तरह का लिक्विड का यहाँ ज़्यादा सवाल बनता नहीं है, उसके ऊपर ज़्यादा वैरायटी आती नहीं है। एक ए नाम का लिक्विड होता है, एक बी नाम का लिक्विड होता है। तो सबसे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर ये है, इस क्वेश्चन के बाद हम इसकी थ्योरी आपको बताएंगे और तब उसके बाद इसके ऊपर आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी और ज़्यादा देंगे। तो पढ़िए सवाल को क्या कहा गया। 25 लीटर के मिश्रण में अमल और पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में 3 लीटर और पानी मिलाया जाता है तो नया मिश्रण में अमल और पानी का अनुपात कितना होगा। ठीक है, इन अ मिक्सचर ऑफ 25 लीटर
ठीक है. इन अ मिक्सचर ऑफ 25 लीटर द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इज 4:1. अनदर 3 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिश्रण. ठीक है, तो मिक्सचर द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द न्यू मिक्सचर. हम इसके बारे में बात करते हैं. देखो जितने बच्चे हैं सारे के सारे मेरे भाई वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दो. ठीक है, तो ये हमारा क्या कहा गया है. देखो कहा गया कि आपके पास एक ऐसा 25 लीटर का जार है. मेरे भाई कितना है, तो ये हमारे पास एक 25 लीटर का पूरा क्या है, तो जार है. और इस 25 लीटर के जार की कहानी यहाँ क्या है, तो इस 25 लीटर जार की कहानी मेरे भाई यहाँ पर ये है कि इसके अंदर एसिड और वाटर ही. देखो ये पूरा का पूरा क्वांटिटी कितना है, तो 25 लीटर का है. और इसके अंदर एसिड और वाटर की अगर हम बात करें तो एसिड और वाटर का रेशियो कितना है, तो बोलोगे सर इसके अंदर एसिड हो गया, इसके अंदर क्या हो गया सर, तो एसिड हो गया और साथ में यहाँ पर वाटर हो गया. वो किस अनुपात में है, तो वो सर 4:1 के अनुपात में है. अब इस मिश्रण में हम यहाँ पर क्या ऐड कर रहे हैं, तो इस मिश्रण पे हम यहाँ 3 लीटर का वाटर ऐड कर रहे हैं. जैसे मान लीजिए एक और जार हम डालते हैं और इस जार के अंदर मेरे भाई क्या है, तो इस जार के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारा वाटर है और कुछ नहीं है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ वाटर है. और वो भी कितना लीटर है, 3 लीटर है. तो उसके बाद ये हमारा एक सॉल्यूशन बनेगा. और कहा गया जो भी तुम्हारा सॉल्यूशन बनेगा उसमें एसिड और वाटर की क्या मात्रा होगी. यहाँ पर उसमें आपका एसिड और वाटर का जो भी होगा वो मेरे भाई क्या मात्रा होगा, आप मुझे ये बताइए. तो हमें यहाँ पर नया वाला जार में एसिड का और वाटर का हमें बताना है कि क्या रेशियो होगा. यानी जब भी हम किसी दो प्रकार के मिश्रण को मिलाकर एक तीसरा प्रकार का मिश्रण हम बना रहे होते हैं, उनमें हम कैसे पता करेंगे, क्या पता करेंगे, समझो मेरे भाई. कई सारे केसेस होते हैं, यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ. तो सबसे पहले इस जार की बात करते हैं. इस जार के अंदर क्या है, तो एसिड और वाटर है. और वो मेरे भाई कितना, 25 लीटर. देखो 25 लीटर कितने भाग में बटा है, 5 भाग में. तो यानी 5 भाग का मान 25 लीटर है. अभी उसको बाद में देख लेंगे, चलो वो भी बाद में देख लेंगे. तो एसिड और वाटर कितना है, 4:1 के अनुपात में. मैंने इसमें क्या ऐड किया है, तो मैंने इसमें वाटर ऐड किया है. और वाटर ऐड करने के बाद जो है यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया, और वाटर कितना ऐड किया, तो वाटर हमने 3 यूनिट ऐड किया है. तो देखो यहाँ पे तब हमसे बोला गया बताओ कितना क्या क्या सॉल्यूशन है. ठीक है, आप मुझे बताओ 5 भाग की वैल्यू हमारी कितनी है, 25 लीटर है. 5 भाग की वैल्यू 25 लीटर, तो 1 भाग का मान कितना लीटर हो जाएगा, 5 लीटर. दोबारा से मैं कह रहा हूँ, ये जो 25 लीटर है ये हमारा कितने का मान है, तो 5 का. तो 5 का मान 25 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 लीटर. और अगर 1 का मान मेरे भाई 5 लीटर हो जाएगा यहाँ पे, तो आप मुझे बताइए 4 का मान कितना होगा. तो बोलोगे सर 4 का मान यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखो 4 का मान कितना हो जाएगा, 20 लीटर. और 1 का मान कितना हो जाएगा, 5 लीटर. यानी मेरे पास जो जार था उसमें हमारा एसिड 20 लीटर था और वाटर हमारा 5 लीटर था, और मैंने उसमें 3 लीटर ऐड कर दिया मेरे भाई. तो देखो मैंने वाटर ऐड किया है, एसिड तो नहीं ऐड किया है. यानी एसिड मेरे भाई जितना था पहले अब भी उतना ही रहेगा. और 5 जमा 3 कितना हो जाएगा, 8. 4 से काटो 5 बार में, 4 से काटो 2 बार में, 5:2 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा. अभी धीरे धीरे करके मैं लेवल बढ़ाऊंगा, सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा. निश्चिंत रहें, एक सवालों से जो है तुरंत यहाँ पर जज ना कर ले सेशन को. अभी बहुत आगे आप लोग जाने वाले हैं. अभी जब आप देखेंगे ना सवालों का लेवल, तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या लेवल हमने डाला है. ठीक है, तो 25 लीटर के सॉल्यूशन को 5 भागों में बांटा गया. 1 भाग की वैल्यू 5 लीटर, 4 भाग का मान 20 लीटर, 1 भाग का मान 5 लीटर, 3 लीटर इसमें वाटर ऐड कर दिया, तो एसिड हमारा उतना ही रहेगा, वाटर हमारा 8 हो जाएगा. और रेशियो हमारा कितने का हो जाएगा, 5:2. ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं. अगला सवाल क्या कहा है, एक मिश्रण है 24 लीटर का, उसके अंदर एसिड और वाटर है और कितना है, 3:5 है. 6 लीटर उसके अंदर वाटर डाला गया, तो बताइए एसिड और वाटर का रेशियो कितना होगा, फटाक देना. इस सेशन को हर एक बच्चा जो है वो लाइक करो, और इस क्वेश्चन का हर एक बच्चा आंसर भी करो. कुमार सुनील हो गए मेरे भाई यहाँ पर, अनुराग हो गए साथ में यहाँ, इंस्पेक्टर मिशन, SSC सीजल, छोटे लाल, मकसूद, सभी बच्चे जो है इसका आंसर करिए. आप बोलेंगे सर देखो एक जार है और इस जार में यहाँ पर जो है अगर हम बात करते हैं तो एसिड और वाटर का हमारा रेशियो कितना है, तो 3:5 है. और टोटल फाइनल क्वान्टिटी इसकी कितनी है, तो 24 लीटर है. तो क्या बोलेंगे सर, 5 × 3 = 8. 8 यूनिट का मान हमारा कितना है, 24 लीटर. तो 1 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 3 लीटर. 1 यूनिट का मान 3 लीटर, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर एसिड हमारा कितना है, तो 9 लीटर है. और 3 × 5 यानी कितना लीटर हो जाएगा, 15 लीटर हो जाएगा. ये हमारा वाटर है, यानी एसिड इतना है और मेरे भाई वाटर हमारा जो है वो इतना है. क्वेश्चन में कहा गया 6 लीटर वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर.
इस मिश्रण में कितना लीटर वाटर डाल दिया, तो 6 लीटर वाटर हमने डाल दिया। अब उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद हम बोलेंगे सर एसिड हमारा 9 लीटर है और वाटर हमारा कितना है, तो वाटर हमारा 21 लीटर है। ये हमारा हो गया मेरे भाई। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया, रेशियो ऑफ एसिड टू वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, तो इनका रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 लोगे 3 से 3 बार में और 3 से कितना 7 बार में, 3:7। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार मेरे भाई। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, अगला सवाल हमसे क्या बोला है, 200 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है, इसमें से कुछ और दूध मिलाने के बाद परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है, इनमें मिलाए गए दूध की मात्रा कितनी थी। अब यहाँ पर सवाल में ऐसा रहेगा कि एक मिश्रण है आपके पास, उस मिश्रण में मेरे भाई कुछ क्वांटिटी है, ठीक है, हमने उसमें कुछ ऐड कर दिया और उसके बाद उसका रेशियो हमारा कुछ और हो गया है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया बताओ जो तुमने ऐड किया है वो कितना किया है। दिख रहा है ना आपको कि ऑलरेडी आपके पास एक जार है और इस जार में यहाँ कितना है, तो 200 लीटर का सॉल्यूशन है। कितना लीटर है, तो 200 लीटर का सॉल्यूशन है, जिसमें आपका मिल्क और वाटर का रेशियो का बात करें तो 17:3 है। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या ऐड किया, तो आपने यहाँ पर कुछ मिल्क ऐड किया है। अगर सही मायने में देखें तो हमने इसके अंदर कुछ मिल्क ऐड किया है और उसके बाद मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल यहाँ बताऊंगा, अभी आप सवाल में देखो तो पहले मिल्क और वाटर का हमारा रेशियो कितना था, तो बोलोगे सर मिल्क और वाटर का रेशियो 17:3 था। ठीक है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था, 17:3, और इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, तो इसकी वैल्यू हमारी 200 लीटर है। हमने इसमें क्या डाला है, कुछ हमने यहाँ मिल्क डाला है और उसके बाद ये रेशियो हमारा कितने का हो गया, तो उसके बाद ये रेशियो हमारा 7:1 का हो गया। अब इस सवाल को समझना थोड़ी सी बात को, जैसे मान लो मेरे भाई इस बोतल में आपका क्या है, इस बोतल में आपका मिल्क और वाटर है। ठीक है, अब इस बोतल में दूध है और पानी है और मैं इसके अंदर पानी और डाल देता हूँ, तो मान लीजिए कि पहले इसके अंदर 2 लीटर दूध था, तो क्या दूध कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। बोलोगे सर दूध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसके अंदर 2 लीटर दूध है, 3 लीटर पानी है, मैं 1 लीटर पानी डाल दूंगा तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, लेकिन दूध बेचारा पहले जितना था उतना ही रहेगा। यानी आपको मिश्रण में ये देखना होता है कि आप ऐड क्या कर रहे हैं। आप इस मिश्रण में देखिए तो आप मिल्क में एडिशन कर रहे हैं, तो पानी अपने आप को क्यों बदलेगा भाई, पानी कल जितना इस मिश्रण में था आज भी पानी उतना ही रहेगा, तो पानी अपनी मात्रा को नहीं बदलने वाला है मेरे भाई, पानी 1% भी अपनी मात्रा को नहीं बदलेगा, इस बात को ध्यान रखो यहाँ पे। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, बोलोगे सर अगर पहले पानी हमारा 3 यूनिट था तो आज भी कितना होगा, 3 यूनिट, तो इस 1 को हम क्या करेंगे, 3 बनाएंगे, तो मेरे भाई इधर भी हम 3 से गुना करेंगे, तो ये हमारा कितना हो गया 21 और ये हमारा कितना हो गया 3। क्या हमारा पानी बराबर हो गया, तो बोलोगे हाँ सर हमारा पानी बराबर हो गया है। अब क्वेश्चन में मेरे भाई बस ये देखो कि आपको दिया क्या है और पूछा क्या है, तो आप बोलेंगे सर हमें 200 लीटर का सॉल्यूशन दिया है और ये 200 लीटर जो है वो हमारे कितने यूनिट का मान है, तो 17+3 यानी 20 यूनिट का मान है, और हमें पता क्या करना है, तो हमें यहाँ पर ये देखना है कि पहले क्वांटिटी कितनी थी 17 यूनिट, अब क्वांटिटी कितनी हो गई 21 यूनिट, यानी कितना बढ़ गया, पहले 17 था और अब 21 हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो 4 यूनिट, तो 4 का मान हमें निकालना है। मैं अक्सर आप लोगों से ये बात बोलता हूँ कि जिसका मान दिया है उससे भाग करिए और जिसका मान पता करना है उससे गुणा करिए, तो 200 जो है वो हमारे 20 का मान है, तो 20 से भाग किया और पता कितने का करना है, तो 17 से ये वैल्यू 21 हो गई यानी 4 का बढ़ गया, तो 4 का मान पता करना है। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हमारा 40 हो जाएगा, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, अब जल्दी से 20 एक प्यारा सा वोकैबुलरी बता दीजिए ताकि यहाँ पता चल जाए कि किस तरीके से आप लोग वोकैब को पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा जो है कहते हैं ना यहाँ पर कि कितना वर्ड पावर आप लोगों का हुआ है, थोड़ा पता तो चले हमें यहाँ पे, बताइए। ठीक है, बताइए जल्दी से, बहुत शानदार, अच्छे अच्छे वोकैबुलरीज बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वोकैबुलरी बताते वक्त स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, इस बात का ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, चलो आ जाओ। एक बच्चा बाबू कह रहा है, तुम बाबू ये करना बाबू, ठीक है, निब्बा निब्बी वाली हरकतें ही चलेंगी तुम्हारी, सरकारी बाबू भी बोल सकते हो, प्राइवेट बाबू के ही चक्कर में रहो अभी तुम,
पढ़ लो पहले, ठीक है, नालायक हो रखा है एक नंबर का। आ जाओ, तो एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। कुछ दूध मिलाया जाता है जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाता है। प्रारंभ में मिश्रण के प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया है? इंग्लिश में अगर बात करें तो इन अ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो इतना, सम मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर बिकॉज ऑफ विच द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स इतना, हाउ मच मिल्क वॉज एडेड एज अ परसेंटेज ऑफ इनिशियल मिक्सचर। जो आपने ऐड किया है वो शुरू वाले मिश्रण का कितना परसेंट है ये हमसे पूछा है। तो हमने कहा ठीक है, शुरू में जो मिक्सचर हमारा था उसमें मिल्क और वाटर हमारा कितना रेशियो में था, तो 2:3 में, यही है ना कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। मिश्रण में कुछ दूध मिलाया गया तो हमने कहा हमने कुछ दूध मिलाया है, और मिलाने के बाद यहाँ पर रेशियो दूध और पानी का कितना हो गया, तो 2:1 मेरे भाई 1 हो गया। कहा गया जो तुमने मिलाया है वो शुरू वाले मिश्रण का कितना प्रतिशत है तो मुझे ये बता दो। मैंने कहा ठीक है हम ये बात बताएंगे कि कितना परसेंट है यहाँ पे, लेकिन उसके पहले इस बात को समझिए, हमने दूध को ऐड किया है पानी को नहीं किया है, तो पानी पहले जितना मिश्रण में था मिश्रण में आज भी पानी की मात्रा उतनी ही रहेगी। उदाहरण के तौर पर इस बोतल में अगर 5 लीटर दूध है और 3 लीटर पानी है और मैं इसमें 10 लीटर पानी और डाल देता हूँ, तो बेशक ये बोतल का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन जितना दूध इसके अंदर था दूध आज भी उतना ही रहेगा। समझ गए मेरी बात को? जैसे दूध वाला क्या करता है, चोरी करता है, 10 लीटर के दूध में 2 लीटर पानी मिला देता है, आगे चल के 2 लीटर और पानी मिला देता है, तो पानी की मात्रा बढ़ते चली जाती है लेकिन दूध की मात्रा पहले जितनी रहती है उतना ही अब भी रहेगा, वो क्वांटिटी नहीं बदलेगा। तो यहाँ मिल्क को ऐड किया है तो पानी की मात्रा सेम रहेगी, पानी को ऐड करोगे तो दूध की मात्रा सेम रहेगी मेरे भाई। तो अगर यहाँ 3 है तो इसे भी क्या करोगे, 3 करोगे, तो 3 हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ ये कितना यूनिट था, 2, और ये हो कितना गया, तो 6, 2 था और 6 हो गया, तो ऐड कितना किया है, तो 4 यूनिट ऐड किया है, ऐड कितना किया है, तो 4 यूनिट। तो बोला गया ये तुम्हारा जो 4 यूनिट है पूरे मिश्रण का कितना परसेंट है, तो ये जो 4 है 2+3 यानी 5 का कितना परसेंट है, तो 4/5 × 100% ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। 5 से काटेंगे तो 20 बार में और 20 का 4×80% ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है ये भाई, समझ में आ रहा है ना, ये बताइए क्लियर हो रहा है सभी क्वेश्चन आपको। आज ये चलिए, तो CHSL में अभी रिसेंट में आपका 9 मार्च 2023 में पूछा गया एक सवाल है, अभी आपका अप्रैल का महीना चल रहा है और मार्च में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपको पूछा गया, तो हमने वो भी क्वेश्चन आप लोगों के शीट में ऐड कर दिया। और आज के सेशन में कहा गया कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 1:4 है, मिश्रण में थोड़ा और दूध मिलाया जाता है जिससे दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाता है, प्रारंभिक मिश्रण में कितना परसेंट दूध मिलाया गया है। बहुत ही प्यारा, इन अ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशियो 1:4, तो अगर हम बात करते हैं तो मिल्क और वाटर हमारा कितना है, तो 1:4 है। सम ऑफ द मिल्क इज एडेड इन द मिक्सचर, कुछ हम इसके अंदर मिल्क को मेरे भाई ऐड करते हैं, और उसके बाद यहाँ पर रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर वो हमारा कितना हो जाता है, तो 2:1 हो जाता है। क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मच मिल्क वॉज एडेड एज अ परसेंटेज ऑफ इनिशियल मिक्सचर, जो आपने ऐड किया है वो शुरू का कितना परसेंट है। हमने कहा यार ये हमारे बच्चे ऐसे ही उड़ा के फेंक देंगे, ठीक है। बहुत ही प्यारा सवाल है यार, आप देखो ना, समझो ना इस बात को। आप बोलोगे गुरुदेव मिल्क को ऐड किए हो पानी को तो नहीं किए हो ना, तो हम बोले नहीं, तो पानी को बराबर करो, यहाँ पानी 4 है तो यहाँ भी 4 करो, तो 4 करने के लिए इधर 4 से गुना, तो मेरे भाई इधर भी 4 से गुना, तो पहले ये क्वांटिटी 1 यूनिट था, अब ये क्वांटिटी 8 यूनिट हो गया, तो ऐड कितना किया है, तो बोलोगे सर 7 यूनिट। आप देखो ना, 1 यूनिट से 8 यूनिट हो गया, तो ऐड कितना किया, तो 7 यूनिट। तो आंसर में हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर 7 यूनिट ऐड किया है, और ये हमारा टोटल मिश्रण यानी टोटल मिक्सचर हमारा कितने का है, तो 5 यूनिट का है, तो 7/5 × 100% ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो मेरे भाई 20 बार में और 7 × 2 = 140 यानी कितना हो गया, 140% हमारा करेक्ट ऑप्शन है। डी फॉर क्या हो जाएगा, तो डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत शानदार, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं लग रहा है हर जगह पे। मैंने कहा कि आज की वीडियो को हर जगह पे शेयर करना, क्योंकि आज के क्लास में वाकई हम जो है 0 लेवल से हीरो लेवल तक सभी क्वेश्चंस को टच करने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं कि यहां पर हर बच्चा जो यहां पर मिक्सचर नहीं पढ़ा हो वो पढ़े मेरे भाई और सीखे कुछ अच्छा,
ठीक है, तो सिर्फ आप लोग इतना सेल्फिश मत बनिए कि अपनी पढ़ाई के लिए यहाँ पर बस मौजूद हैं, हम ही लोग वीडियो को देखेंगे, दूसरों को नहीं देखने देंगे। अगर इतनी सेल्फिशनेस की भावना मेरे अंदर आती तो शायद हम कभी यूट्यूब पर अगर आप लोगों को नहीं पढ़ाते, अपना चुपचाप काम कर रहे होते, अपना एप्लीकेशन पर पढ़ाते और भी जगह पर जो है अपनी नौकरी वोकरी संभाल रहे होते हैं। अगर हमने छोटा सा कदम उठाया आपके लिए तो आप भी थोड़ा सा पहल उठाइए, उससे क्या होता है मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा और बच्चों की लाइव संख्या बढ़ेगी, ठीक है, और थोड़ा सा मज़ा आएगा सेशन में पढ़ाने में, फिर और ज़्यादा ऊर्जा के साथ हम आप लोगों को पढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हर जगह पे शेयर करिए वीडियो को ताकि जो है हर जगह से बच्चा जुड़ पाए। आ जाइए एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। अ कैन कंटेन अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 7:5 व्हेन 9 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज ड्रेन्ड ऑफ एंड द कैन इज फिल्ड विद ब्री द रेशियो ऑफ ए एंड बी बिकम 7:9 हाउ मच लीटर ऑफ ए वाज कंटेंड इन द कैन इनिशियली। ये एक बहुत ही तगड़ा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। और मेरे भाई इस सवाल में कैसे कहा जाता है वो समझो कि एक डिब्बे में 7 और 5 के अनुपात में 2 तरल पदार्थ थे। ये हमारा एक डिब्बा है, ठीक है, और इस डिब्बे में 7 और 5 के अनुपात में 2 तरल पदार्थ थे। उसके बाद जब 9 लीटर मिश्रण जो है वो निकाला जाता है, इसमें से 9 लीटर आपने मिक्सचर निकाला है, ना ए को निकाला है ना बी को निकाला है, आपने 9 लीटर का मिश्रण निकाला है। और निकालने के बाद फिर डिब्बे को बी से भर दिया जाता है, उतने ही लीटर का बी से आपने भर दिया, ठीक है, और तब ए और बी का अनुपात इतना हो जाता है। तो शुरुआत में डिब्बे में कितना जो है वो यहाँ पर ए का तरल था, ये पूछा गया है कि हाउ मच लिक्विड ए वाज कंटेंट। आज हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं मिक्सचर में, इस बात को समझिएगा आप लोग, ठीक है। मिक्सचर की कहानी मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो मिक्सचर की कहानी कुछ इस प्रकार से है, समझिए। ये जैसे मान लीजिए आपका पूरा का पूरा क्वांटिटी है, और मान लीजिए इसके अंदर हमारा मिल्क कितना है और वाटर कितना है। तो हमने कहा मिल्क हमारा 2 यूनिट है, वाटर हमारा 3 यूनिट है, पूरा का पूरा जार 20 लीटर का है। यदि मैं इसमें से मान लो कि यहाँ 5 लीटर का मिश्रण गिरा देता हूँ, समझ गया गया, ये थोड़ा सा और ऐसे समझोगे जैसे मानो ये पानी का बोतल है, इस पानी के बोतल में दूध और पानी जो है वो 2 और 3 लीटर के अनुपात में है। 2 पार्टिकल अगर दूध का है तो 3 पार्टिकल हमारा पानी का है। मैंने यहाँ पर मेरे भाई क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर ऐसे गिरा दिया, थोड़ा सा देखो ये गिरा दिया मैंने, ठीक है, ये पूरा पानी हमने गिरा दिया। अब जो मैंने यहाँ क्वांटिटी गिराया है, जो जमीन पर गिरा है, वो भी मेरे भाई 2 और 3 के ही अनुपात में गिरा है। और गिराने के बाद जो इसके अंदर बच गया ना, वो भी मेरे भाई किस रेशियो में है, तो 2 और 3 के ही अनुपात में है। यानी क्या होता है कि मिश्रण में जैसे मानो ये 2 और 3 के अनुपात में है, मैंने 2 लीटर गिरा दिया, तो उसके बाद भी ये जो है वो रेशियो में कौन सा रहेगा, तो 2 और 3 के ही रेशियो में रहेगा, वो नहीं बदला होगा। क्योंकि मेरे भाई जितना पार्ट यहाँ पर इसका जाता है ना, उतना ही पार्ट यहाँ पर इसका जाता है। तो रेशियो जो रहते हैं वो हमेशा बराबर रहते हैं। जैसे आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर ये कितने क्वांटिटी में थे, तो बोलोगे सर 20 लीटर में थे, मैंने 5 लीटर निकाल दिया, तो 5 लीटर निकाला तो ये 5 लीटर का मतलब कितना हो गया कि मिल्क हमारा कितना जाएगा, तो 2 लीटर, और हमारा वाटर कितना जाएगा, तो 3 लीटर। ये हमारा मिल्क है और ये हमारा वाटर है। अब यहाँ पर ऐसे समझ लो, 20 को हम कितने भाग में बांट रहे थे, 5 भाग में, 5 की वैल्यू 20 लीटर, तो 1 की वैल्यू 4 लीटर, 1 की वैल्यू 4 लीटर, तो 2 का मान 8 लीटर, 3 का मान 12 लीटर। अब 8 लीटर था, 2 लीटर निकल गया, तो कितना बच गया, 6 लीटर बच गया। 12 था और 3 निकल गया, तो कितना बच गया मेरे भाई, 9 लीटर बच गया यहाँ पे। अभी भी अगर आप इनका रेशियो देखोगे ना, तो बोलोगे सर 2 और 3 के अनुपात में है। इसीलिए कभी भी किसी भी मिश्रण में से अगर हम कोई भी क्वांटिटी निकालते हैं, तो उसके बाद भी हमारा जो रेशियो रहता है वो हमारा कितना रहता है, सेम रहता है। यानी पहले अगर वो 2 और 3 के अनुपात में थे, तो कुछ निकालने के बाद भी वो किस रेशियो में रहेंगे, 2 और 3 के ही अनुपात में रहेंगे, ठीक है। आ जाइए, तो चलिए इस सवाल को अगर हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन में मेरे भाई क्या कहा है, अ कैन कंटेन अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी। जैसे मान लीजिए ये हमारा ए और बी इसके अंदर था, और उसमें रेशियो हमारा कितना था, तो 7:5 था, ठीक है। इसमें से सबसे पहले मैंने क्या बाहर किया, तो इसमें से सबसे पहले मैंने 9 लीटर का मिश्रण बाहर किया है। तो 9 लीटर का अगर मैं मिक्सचर मेरे भाई निकालूंगा ना, तो मिक्सचर जब आप निकालोगे, तो उसके बाद भी रेशियो आपका 7 और 5 में ही रहने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे एग्जामिनर ने यहाँ पर ये कहा कि उसके बाद एंड द कैन इज फिल्ड विथ रेशियो बी, और उसके बाद हमने किससे फिल किया, तो 9 लीटर इसके अंदर हमने बी डाला है, और 9 लीटर डालने के बाद जो हमारा रेशियो हो गया वो 7:9 कितना हो गया, तो 9 हो गया। कितना हमारा रेशियो हो गया, तो 7:9 मेरे भाई 9 हो गया है। तो हमारा लिक्विड ए जो था वो शुरू में कितना था, ये बोला गया, समझो मैंने जो यहाँ लिखा है, शुरू में ए और बी का मात्रा इतना था, 9 लीटर निकालने के बाद रेशियो इतना हो गया, 9 लीटर बी डालने के बाद रेशियो हमारा इतना हो गया। आप 10 लीटर निकाल दो, 20 लीटर निकाल दो, 30 लीटर निकाल दो, निकालने के बाद जो रेशियो रहता है वो सेम रहता है। अब इस सवाल को हम लोग है ना नीचे से ऊपर की तरफ प्रोसीड करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ सीखेंगे। यहाँ पर आप देखो, तो इसमें हमने लिक्विड
बी को डाला है लेकिन ए को तो नहीं डाला ना, तो बोलोगे नो सर, ए को तो आपने बिल्कुल नहीं डाला है। यानी ए के क्वांटिटी को हमें क्या रखना है, बराबर, और यहाँ पर ऑलरेडी वो बराबर है तो बराबर है तो उसको मत छेड़िए, ठीक है। अब आप देखिए बी 5 यूनिट से 9 यूनिट हो गया, यानी कितना यूनिट ऐड हुआ है, तो बोलोगे सर 4 यूनिट। और मेरे भाई 4 यूनिट का मान कितना है, तो 4 यूनिट का मान मेरे भाई 9 लीटर है। हमें यूनिट में और लीटर में वैल्यू पता करना था, तो मैंने कहा बी पहले 5 यूनिट हुआ करता था, अब 9 यूनिट हो गया, यानी 4 यूनिट ऐड किया गया, 4 यूनिट का मान हमारा कितना है, 9 लीटर है। 4 यूनिट का मान अगर हमारा 9 लीटर है, तो पहले ये कितना यूनिट था मेरे भाई, तो 12 यूनिट था। पहले दोस्त हमारा ये कितना यूनिट था, तो बोलोगे सर 4 यूनिट का मान 9 लीटर, तो 7 और 5 देखो, 4 यूनिट का मान 9 लीटर, तो 12 यूनिट का मान कितना, ये मेरे भाई 4 का कितना है 3 गुना, तो 9 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखिए 4 यूनिट का मान 9 लीटर, तो ये हमारा 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 27 लीटर हो जाएगा, ठीक है। फिक्स है यहाँ पर कि 12 यूनिट का मान 27 लीटर। अब यहाँ से 9 लीटर निकालने के बाद 27 लीटर आया है, इसमें से 9 लीटर निकालने के बाद 27 लीटर आया है, तो वापस से इसमें 9 लीटर जोड़ देंगे, 27 में 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 36 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, तो 36 लीटर हो जाएगा, यानी ये जो सॉल्यूशन था उसकी वैल्यू कितनी थी, 36 लीटर। तो हम बोलेंगे सर जो ये 36 लीटर है ये कितने की वैल्यू है, तो 7 जमा 5 यानी 12 की वैल्यू है, और हमसे ए का मान पूछा गया यानी 7 का मान पूछा गया, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से 12 से 3 बार में काटो, आंसर आपका कितना आ जाएगा, 21 लीटर आ जाएगा, ये सिंपल सॉल्यूशन होगा। तो बहुत बच्चे ऐसे सवालों में फंस जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आज मैं मिश्रण में आपको जो है बिल्कुल शून्य से लेवल से लेकर आपको हीरो लेवल तक सारे पॉइंट्स आपको कराऊंगा, पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो हमने क्या कहा, निकालने के बाद ये रेशियो बचा, ऐड करने के बाद ये बचा, इसको बराबर करना है। 4 यूनिट का मान 9 लीटर, तो यहाँ 12 यूनिट था, तो 12 का मान 27 लीटर हो गया, वापस इसमें इसका 9 लीटर जोड़ दो तो 36 लीटर हो जाएगा, ठीक है। 36 लीटर कितने भागों में बटा, 12 भाग में, तो 12 का मान 36, 1 का मान 3, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई थोड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाइए अभी इसके ऊपर 2-3 सवाल हम आपको और प्रैक्टिस करवाते हैं, तब आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। आ जाओ, एक जार में 4 और 1 के अनुपात में 2 तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण है, 10 लीटर मिश्रण निकाला जाता है और जार में 10 लीटर तरल बी डाला जाता है, तो अनुपात हमारा 2 और 3 का हो जाता है, जार में कितने लीटर तरल ए शामिल था। एकदम सेम हमारा डिट्टो क्वेश्चन पिछला वाला कि अ जार कंटेन अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो इतना, व्हेन 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 10 लीटर ऑफ बी इज पोर्ड इन द जार, रेशियो बिकम 2:3, हाउ मेनी लिक्विड ए वाज कंटेंड इन द जार। हमने कहा यार धरती का सबसे आसान सवाल है, आप मुझे एक बात बताइए, ए और बी का पहले रेशियो हमारा कितना था, तो ए और बी का रेशियो हमारा 4:1 कितना था, तो 4:1 था। हम 10 लीटर मिश्रण इसमें से निकाल देते हैं, मान लीजिए पूरे मिश्रण का हमने कितना निकाल दिया, 10 लीटर निकाल दिया, और 10 लीटर निकाल दिया उसके बाद भी रेशियो हमारा कितना बरकरार रहेगा, तो 4:1 का रेशियो हमारा बरकरार रहेगा। फिर उसके बाद कहा 10 लीटर ऑफ लिक्विड बी इज पोर डाउन, इसमें जो है हम क्या डाल रहे हैं, तो 10 लीटर लिक्विड डी बी डाल रहे हैं, और 10 लीटर मेरे भाई डालने के बाद जो है वो रेशियो हमारा कितने का बन जाता है, तो 2:3 का बन जाता है। कितने का बन जाता है, 2:3 का बन जाता है। बोला गया शुरू में एक ही मात्रा कितनी थी, मैंने कहा देखो तरीके तो मेरे पास और भी कई सारे हैं, सेकेंड मेथड से भी मैं इसको बता सकता हूँ, थर्ड मेथड से भी यहाँ पर जो है वो बता सकता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा मेथड तो मेरे पास कई सारे हैं यहाँ पे, लेकिन बात यहाँ पर ये है कि आपके लिए जो सबसे बेस्ट, जो अंडरस्टैंडिंग आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा वो हम आपको कराएंगे, ठीक है, समझे मेरी बात को यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर कैसे समझते हैं, ज़रा इस सवाल को देखिए, तो इस क्वेश्चन को हम समझते हैं यहाँ पे कि पहले यहाँ पर क्या था, ए और बी का रेशियो इतना था, 10 लीटर निकालने के बाद रेशियो इतना हो गया, 3 लीटर डालने के बाद ये हो गया। मेरे भाई यहाँ पर हमने बी को डाला है, ए को तो नहीं डाला है, तो बोलोगे नो सर। जब ए को आपने नहीं ऐड किया तो ए के क्वांटिटी को बराबर करिए, यहाँ अगर 4 है तो यहाँ भी 4 करिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये 1 यूनिट था और 6 यूनिट हो गया, यानी कितना यूनिट आपने ऐड किया, तो बोलोगे सर 5 यूनिट। मेरे भाई 5 यूनिट का मान हमारा कितना है, तो 10 लीटर है। 5 यूनिट का मान हमारा कितना है,
तो 10 लीटर है। तो 5 यूनिट का मान अगर हमारा 10 लीटर है तो यहाँ भी 5 यूनिट है और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 लीटर हो जाएगी। फिर इस यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10, 5 यूनिट का मान 10 लीटर, तो यहाँ भी 5 यूनिट है उसका मान कितना हो जाएगा, तो उसका मान मेरे भाई 10 लीटर हो जाएगा। इस 10 लीटर में 10 लीटर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 लीटर हो जाएगा। उस 20 लीटर में ये किस रेशियो में थे, तो 4:1 के रेशियो में। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, सर ये जो 20 लीटर है ये कितने की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू है। हमें पता कितने का करना है, 1 का मान यानी 4 का मान पता करना है। सबसे बढ़िया तरीके से, खूबसूरत तरीके से आंसर दे देंगे और कितना दे देंगे, 16। एक इसका और भी कंसेप्ट है जो मैंने आपको वीओडी बैच में बता रखा है और भी बैचेस में बताता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी अगर उस कंसेप्ट में घुस गए ना तो हम बाकी के सवाल नहीं कर पाएंगे। तो बढ़िया है कि आप इसको ऐसे ही ध्यान रखो, नीचे से ऊपर की तरफ ध्यान रखो, ठीक है। कि जैसे पूरा सॉल्यूशन निकालने के बाद ये बच गया, ये डालने के बाद ये बच गया, यहाँ पर देखते रहो कि ऐड क्या किया गया है। तो बोलोगे सर बी को ऐड किया, बी को ऐड किया तो ए को समान रखते हैं, ए को समान रखा तो वैल्यू 1 से 6 हो गई यानी 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर, तो फिर से 5 यूनिट की वैल्यू 10 लीटर, 10 में 10 जोड़ दिया तो 20 लीटर, यानी 20 लीटर को 5 भागों में बांटा गया, तो 20 लीटर 5 का मान है, 4 का मान हमें निकालना है, ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। एक बैरल में 3:1 के अनुपात में शराब और पानी का मिश्रण होता है, मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए और पानी द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए कि बैरल में परिणामी मिश्रण में शराब तथा पानी का अनुपात इतना हो जाए। अब ये सवाल ऐसा है ना, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर वाली बात हो जाती है। कि दिखने में मेरे भाई यहाँ पर इत्तू सा सवाल है, दिखने में मेरे भाई यहाँ पर क्या है, इत्तू सा सवाल है ये, लेकिन आपको परेशानी बहुत हद लेवल का कर जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात को, यानी अ बैरल कंटेन अ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर, ये बैरल है, इसके अंदर वाइन भी है और इसके अंदर वाटर भी है, और किस रेशियो में है, तो 3:1 के रेशियो में है। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, इसमें से कितना मिक्सचर निकालोगे, यानी जब मिक्सचर निकालने की बात करते हो ना तो यूँ समझ लो कि उसके अंदर से वाइन भी निकलता है और वाटर भी निकलता है, दोनों निकलता है। तो इसमें से अगर मिक्सचर निकालोगे तो वाइन भी निकलेगा और वाटर भी निकलेगा, और उसके बाद मेरे भाई निकाल दिया, हो गया, निकालने के बाद भी रेशियो कितना रहने वाला है, तो 3:1। फिर कहा गया हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड सब्स्टिट्यूटेड बाई वाटर, फिर उसके अंदर इसमें वाटर ऐड करो उसके बाद, ताकि आपका जो रेशियो है वो रेशियो मेरे भाई कितना हो जाए, तो वो रेशियो हमारा 1:1 का हो जाए। अब इस सवाल को करने का मैंने कहा ना बहुत ही आसान तरीका है, शुरू में जो हमारा रेशियो था वो हमारा कितना था, तो बोलोगे सर देखिए शुरू में वाइन और वाटर का जो रेशियो है आपका, शुरू में अगर हम बात करते हैं तो वाइन का और मेरे भाई वाटर का जो हमारा रेशियो है वो हमारा कितना है, तो बोलोगे सर शुरू में वाइन और वाटर का रेशियो हमारा जो है वो हमारा 3:1 का अनुपात है, और बाद में जो है यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ इसके अंदर से हम कुछ मिश्रण निकाल देंगे ना, उसके बाद भी ये रेशियो बरकरार हमारा इतना ही होने वाला है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, हम वाटर के साथ कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यहाँ पर वाटर के साथ हम कुछ डाल देते हैं, और तब यहाँ जो रेशियो है वो हमारा 1:1 का हो जाता है। तो क्वेश्चन में बोला जाएगा जो आपने निकाला है, यानी जो आपने यहाँ निकाला है ना, या ऐसे कह लो सर जितना लीटर यहाँ निकाला होगा उतना ही लीटर यहाँ डाला भी होगा, तो जो आपने निकाला है वो पूरे मिश्रण का कितना पार्ट है, हमसे ये पूछा जाता है। इस सवाल को देखते उसका आंसर कर दोगे, ठीक है। कैसे मेरे भाई आंसर करोगे, तो ये देखो आप यहाँ बोलोगे सर देखो ये क्वांटिटी देखो, शुरू में जितनी क्वांटिटी थी लास्ट में भी हमारी उतनी ही क्वांटिटी होगी, क्या क्वांटिटी बदलेगी। जैसे मानो मैंने इसमें से 2 लीटर निकाल दिया और वापस से 2 लीटर डाल दिया, तो क्वांटिटी तो मेरी सेम ही हो गई ना। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर अगर ये क्वांटिटी 4 यूनिट है तो ये भी मेरे भाई क्वांटिटी कितनी होगी, 4 यूनिट होगी। या ऐसे कह लो सर अगर ये 4 यूनिट है तो ये भी कितना होगा, 4 4 का मतलब इसे कितना होना पड़ेगा, 2 और 2 होना पड़ेगा। मैं दोबारा से कहता हूँ यहाँ पर क्या हो गया मेरे भाई, तो इनका सम देखो 4 है और इनका सम देखो 2 है, तो इन दोनों को बराबर करना है, इन दोनों को बराबर करना है तो इसे 2 से गुना करना पड़ेगा, इसे 2 से गुना करना है तो इसे भी 2 × 2 हो जाएगा। तो हम ऐसा बोलेंगे कि पहले हमारा वाइन 3 यूनिट था, अब हमारा वाइन 2 यूनिट हो गया है। पहले हमारा वाइन, क्योंकि देखो ना आप एक बात को ऐसे समझो कि आपने वाटर को ऐड किया है, वाइन बेचारा उसका क्या गलती है, वो तो वैसे ही रहेगा ना यार, ठीक है। तो वाइन पहले 3 था और वाइन हमारा 2 हो गया, यानी 1 यूनिट आपने रिप्लेस कर दिया है, कितने में किया है, तो 3 में किया है। तो करेक्ट आंसर कितना होगा, 1/3, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बस मेरे भाई इतना ही सा सवाल है। तो इस सवालों का सबसे बेस्ट जो तरीका रहता है वो हमारा क्या रहता है, कि पहले हमारा ये हमारा मिश्रण था, उसमें से हमने कुछ निकाल दिया तो ये बच गया, फिर हमने कुछ डाल दिया तो ये हमारा आ गया, कितना पार्ट आपने निकाला है। आप बोलोगे सर 3 से हमारा 2 हो गया, यानी 1 निकाला है, कितने के ऊपर, तो 3 के ऊपर।
समझ गए, हम इसको कैसे समझते हैं वो हम बता रहे हैं। तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि यार देखो, पहले जो हमारा वाइन था वो 3 लीटर था, कितने में? 4 में। और ये के से मल्टीप्लाई होने के बाद, के से मल्टीप्लाई होने के बाद ये अपने आप का कितना हो गया? तो 2/4 हो गया। यानी अगर हम बात करते हैं तो के की वैल्यू फिर 2/3 आती है, जहाँ ये बताता है कि ये फाइनल है और ये मेरे भाई इनिशियल है। समझ में आ गया? या ऐसे बोलोगे सर कि ये वाला हमारा क्या है, तो ये शुरू शुरू में हमारा इनिशियल था और ये हमारा क्या है? फाइनल है। यानी हमने कितना निकाला है? तो 1 निकाला है। कितने पे निकाला है? 3 पे। तो इसको हम शॉर्टकट से बहुत तरीके से समझ सकते हैं, इतना कुछ हमें ड्रामेबाजी करने की आवश्यकता नहीं है पेपर में। हम सीधा पेपर में यहाँ पर देखेंगे और क्या देखेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर शुरू में 3 और 1 में था और लास्ट में 1 और 1 में आ गया। आपको बस इतना करना है, इनका सम बराबर, 3 जमा 1 कितना होता है? 4, और 1 जमा 1 कितना होता है? 2। इन दोनों को मेरे भाई बराबर कर दो। तो अगर ये वैल्यू तुम्हारी यहाँ पर 4 है तो इसे भी 4 करो, यानी ये 2 हो जाएगा। और बस यहाँ पर वो चीज़ को देखो जो तुम्हारी ऐड नहीं हुई है। जैसे अगर तुमने वाटर को ऐड किया है तो वाइन को देखो, और वाइन को ऐड किया है तो वाटर को देखो। यहाँ पर वाइन 3 यूनिट था और यहाँ पर वाइन 2 यूनिट हो गया है, तो मुझे बताओ यहाँ पर कितना यूनिट कम हुआ है? तो बोलोगे सर 1 यूनिट कम हुआ। और कितने पर कम हुआ है? 3 पर। बस मेरे भाई देखो, इतने शॉर्ट में तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि सेशन के अंत तक बने रहो, बहुत कुछ सीख कर जाओगे। ठीक है, मैं पहले पूरा वक्त लेके समझाऊंगा आपको चीज़ें लेकर यहाँ पे कि हाँ ये कैसे हुआ, फिर उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, एक बर्तन में तरल भरा हुआ यानी मिश्रण भरा हुआ है, 3 भाग पानी है, 5 भाग सिरप है। मिश्रण का कितना हिस्सा निकाला जाना चाहिए और उसे पानी से बदल देना चाहिए कि मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप हो? तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे पहले मानो यहाँ 3 यूनिट था और ये 5 यूनिट था, ऐसे समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारा क्या था? तो वेसल इज़ फिल्ड विथ लिक्विड, 3 पार्ट ऑफ विच आर वाटर एंड 5 पार्ट आर सिरप। तो ये वाटर है और ये मेरे भाई क्या है? सिरप है। कितना मिश्रण निकाल के उसके अंदर हम वाटर डाल दें? हम यहाँ पर क्या ऐड करने की बात कर रहे हैं? वाटर को ऐड करने की बात कर रहे हैं कि मिश्रण में आधा पानी आधा सिरप हो। तो मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा हूँ, ये टोटल कितना था? तो 3 और 5 8 था। अगर यहाँ टोटल 8 है तो यहाँ भी टोटल कितना होगा? 8। उस 8 को हम यहाँ पर कैसे रिप्लेस करेंगे? तो 4 से और 4 से, क्योंकि आधा पानी आधा सिरप। तो अगर पहले 8 लीटर मिश्रण था तो अब भी मेरे भाई कितना होगा? मिक्सर को निकाल दो और उसके जगह पर वाटर डाल दो, यानी अब भी 8 लीटर होगा। बस उस 8 लीटर में 4 लीटर मिश्रण, 4 लीटर ही है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ, क्या ऐड नहीं हुआ है? सिर्फ सिर्फ देखो 5 से कितना हो गया? 4। तो सिर्फ हमारा 5 से 4 हो गया, तो 1 निकाला आपने, और कितने के ऊपर? 5 के ऊपर। तो 1/4 जो होगा वो हमारा, 1/5 जो होगा वो क्या होगा? करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर। जिसमें ऐड किया जाता है उसको नहीं देखते हैं, जिसमें ऐड किया जाता है उसको नहीं देखते हैं। सिर्फ ऐड नहीं हुआ है तो सिर्फ को देखो। ठीक है, सिर्फ ऐड नहीं हुआ है तो मेरे भाई सिर्फ को देखिए। यहाँ पे यही सीखने आए आज आपकी क्लास में आप यहाँ पे। ठीक है, तो CHSL 2 जून 2022, एक और प्यारा सा सवाल इसी के ऊपर हमारा पूछा गया। देखिए यहाँ पे कि एक बीकर में द्रव भरा हुआ है जिसमें 3 भाग पानी है और 7 भाग औषधि है। इस मिश्रण का कितना भाग पानी से बदलने पर, पानी से बदलने पर मतलब मिश्रण निकाल के उसके जगह पानी ठूस दिया आपने, तो परिणामी मिश्रण में पानी और औषधि का अनुपात इतना होगा। अब बिकर इज फिल्ड विथ लिक्विड एन बी, 3 पार्ट ऑफ विच आर वाटर। यहाँ पर तो 3 पार्ट क्या है? तो वाटर है, और 7 पार्ट हमारा क्या है? तो मेरे भाई मेडिसिन है। इसमें से हम कितना मिक्सचर निकाल दें और उसके जगह पर पानी डाल दें कि बाद में रेशियो कितना हो जाए? तो 1 और 1। तो मेरे भाई बच्चा बच्चा भी यहाँ बता देगा सर इसका टोटल कितना है? तो बोलेगा सर इसका टोटल 10 है और इसका टोटल कितना है? तो 2 है। क्या ये दोनों टोटल हमारे बराबर हैं? क्या बराबर हैं दोनों का टोटल बताओ यहाँ पे? तो बोलोगे नहीं सर हमारा दोनों टोटल बराबर नहीं है। तो अगर ये दोनों टोटल हमारा बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे, यानी 2 को हम 10 बनाएंगे। किससे गुना करके? तो 5 से गुना करके। तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा इंटू 5 और यहाँ हो जाएगा इंटू 5। आपने क्या ऐड किया है सवाल में ज़रा गौर से देखो। तो यहाँ पर आप रिप्लेस कर रहे हैं वाटर के साथ, यानी आपने वाटर को ऐड किया, तो वाटर को आपको नहीं लेना है। अब देखो मिल्क हमारा 7 था और ये हमारा 5 हो गया, तो कितना आपने रिप्लेस किया? 2। और कितने पर किया आपने? 7 पे। तो 2/7 ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। एकदम शॉर्ट में लपेटेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर। यानी मिश्रण की मात्रा पहले जितनी थी, मिश्रण की मात्रा को आज भी आप उतना ही रखिए। जो चीज़ को ऐड कर रहे हैं उस पर फोकस मत करिए, दूसरे वाले पार्ट पर फोकस करिए। तो ये 7 था और 5 हो गया, यानी कितना रिप्लेस किया? 2। और कितने के ऊपर किया? तो 7 के ऊपर। करेक्ट आंसर 2/7। अब बताओ मज़ा आया?
ठीक है, अब अगर मजा आया ना मेरे भाई तो फटाक देना जो है वो वीडियो को थोड़ा लाइक कर दो ताकि मजा आएगा, ठीक है। अब इजी लगा सर। चलिए, कंसेप्ट अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके बताइए, अपना थोड़ा सा जो इजहार करने का तरीका है वो थोड़ा वीडियो को लाइक करके बताएंगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। देखो, कभी भी ये सारी बातें हैं ना, मैं तो आपको मैंने बहुत पहले से पढ़ा रखा है। मैंने हमेशा से एक बात कहता हूँ कि जो हमारा रिकॉर्डेड बैच है उस रिकॉर्डेड बैच में मेरे भाई एक एक कंसेप्ट को मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखा है। आज तक कभी भी किसी भी परीक्षा में एक भी सवाल ऐसा नहीं आया जो हमारे मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच से बाहर हो। वक्त लेकर तसल्ली से यहाँ पर जो है एक एक टॉपिक को उसके अंदर कंप्लीट किया, और अभी धीरे धीरे समय रहते मैं अपडेट भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए हाँ जी, जैसे अब ये वाला सवाल देखिए, आपके पेपर में पूछा गया रिसेंट में, एक कंटेनर में 40 लीटर मिल्क है, इसमें से 4 लीटर मिल्क जो है आप निकालते हैं और उसको रिप्लेस करते हैं वाटर के साथ। दिस प्रोसेस वॉज रिपीटेड फॉर द 2 टाइम्स, हाउ मच मिल्क इज कंटेंड इन द कंटेनर। मैं आपको है ना ऐसे सवालों के कई सारे तरीके आपको बता सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ समझने की आवश्यकता, ये सारे वो सवाल होते हैं ना मेरे भाई जो बढ़िया लेवल के होते हैं, जहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा फंसता है। और अगर बच्चा सबसे ज़्यादा फंस रहा है तो उसको वो बाहर निकलना कैसे है वो बताओ। तो यहाँ समझो मेरी बात को, क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, और बस मेरे टाइप को मेरे भाई बड़े ध्यान से समझना। इस टाइप में क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर ये बोला जाता है कि देखो बेटा तुम्हारे पास एक क्या है, तो तुम्हारे पास जैसे मानो हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आप समझ जाएंगे। और एक चोर रहता है, और वो चोर कहाँ काम करता है, तो एक चोर रहता है जो बारटेंडर कंपनी में काम करता है, ठीक है। कहाँ पर काम करता है, तो मेरे भाई किसी बार में काम करता है, क्लब में काम करता है, उसमें महंगी महंगी वाइन की बोतल रखी हुई है, ठीक है। उसकी रोज की रोज है ना वो कस्टमर्स को पिला रहा है, उसकी रोज की इच्छा होती है हम पी ले तो कितना अच्छा रहेगा, तो उसके बड़ा मन में इच्छा है कि यार है ना मालिक बस देखे नहीं, बाकी एक आधा गुट गटका ले तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसकी भी इच्छा यार, इंसान है, वो भी सेवन करना चाहता है, जीवन का हर सुख लेना चाहता है वो। तो जैसे ये वाइन की बोतल है, अब वो क्या करता है, मानो ये 10 लीटर वाइन की है, 40 लीटर वाइन की बोतल है, जैसे इस हमारे क्वेश्चन में कहा गया है, इसके अंदर वाइन भी है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी है। वो मेरे भाई क्या करता है यहाँ पर, ठीक है, कि रात को जब सारा दुकान वकान बंद करने का टाइम होता है, चुपचाप इसमें से अपना 4 लीटर का पैग बनाता है, अपना मस्ती से पीता है और फिर बोतल रख देता है। फिर उसको याद आता है, अच्छा बोतल रख दी है, कम दिख रहा है, मालिक देख लेंगे ना मेरे भाई, लपेट देंगे हमको यहाँ पे, रंगीन बोतल है। तो वो क्या करता है, चुपचाप नल खोलेगा और 4 लीटर इसमें पानी डाल देगा, आज का काम उसका खत्म, फुल सेट होके घर पे गया है, एकदम मौज में है, जीवन बढ़िया जी रहा है। कल के दिन वो वापस आता है, अब उसका मन वापस से देख के बोतल को कहता है, तेरे बिना तो हम रह ही नहीं सकते, तू ही मेरी इकलौती जान है। फिर इसमें से वापस वो 4 लीटर निकालता है और पैक बनाता है। इस बार का उसका जो पैक है थोड़ा फीका फीका लगता है। क्यों फीका फीका लगता है, क्योंकि कल वाला मेरे भाई कड़क था, कल वाले में सिर्फ और सिर्फ वाइन था, आज वाले में मेरे भाई कहानी क्या है, वाइन भी है और वाटर भी है। और ये वाटर किसके वजह से आया, तो उसके अपने करतूत के वजह से आया, उसी ने रात में मिलावट की थी। फिर मेरे भाई वो यहाँ से पीता है अपना जो भी है 4 लीटर का पैक बना के, फिर देखता है बोतल कम हो गया, फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर और वो जो है पानी वानी डाल के चला जाता है। यदि इस प्रोसेस को 2 से 3 बार अपनाया जाता है तो बाद में यहाँ पर बोला जाता है, बताओ ओरिजिनल में बाद में वाइन कितना बच गया। अब इसमें सही से देखोगे तो यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, तो यहाँ पर मेरे भाई जो है वो एक तरीके से अगर हम बात करें तो वाइन हमारा कम हो रहा है, और बढ़ क्या रहा है, तो वाटर बढ़ रहा है। तो जब भी ऐसा कंसेप्ट हमारा आ जाए ना, रिप्लेसमेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट, कि आपने पूरे मिक्सचर को पानी के साथ रिप्लेस किया, फिर पूरे मिक्सचर को पानी के साथ रिप्लेस किया, तो वहाँ आप एक बात को ऐसे समझ लीजिए, वहाँ एक बात को आप ऐसे समझ लीजिए कि आप इसमें क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी को कम कर रहे हैं, तो कौन बेचारा यहाँ कम हो रहा है, तो वाइन कम हो रहा है। तो आपको है ना इसमें सक्सेसिव का कंसेप्ट लगाना है, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, दर बदर बढ़ते चला जाता है, यहाँ पर चीज़ें क्या हो रही हैं, कम होते चली जा रही हैं। पहले वाइन 10 लीटर था, फिर 9 लीटर, फिर 8 लीटर, फिर 7 लीटर, धीरे 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 वाइन खत्म, पानी का ग्राफ बढ़ता चला गया यहाँ पे। तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या बोलेंगे, हम यहाँ बोलेंगे सर ये सक्सेसिव का कंसेप्ट है, यहाँ पर है ना कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट लगेगा, बस वो डिक्रीज वाला लगेगा। तो आज हम आपको बताते हैं ऐसे सवालों को कैसे बनाते हैं। कंटेनर में कितना लीटर मिल्क है, तो 40 लीटर मिल्क है, तो यहाँ पर 40 लीटर आप लिख दीजिए। यकीन मानिए जीवन में आज के पहले ऐसा कंसेप्ट नहीं देखा होगा आपने, मजा आ जाएगा आपको, आप 40 लीटर मिल्क लिख दीजिए।
उसके बाद आप 4 लीटर मिल्क निकालते हैं और पानी से डालते हैं, तो आप जो 4 लीटर निकाल रहे हैं वो टोटल का कितना पार्ट है? तो आप बोलेंगे सर 4 हमारा 40 का 1/10 भाग है, यानी हम ये कहेंगे कि 10 में से हमने 1 भाग निकाल दिया। अब 10 में से 1 भाग निकाल दिया तो बचा कितना भाग? 9 भाग। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, सर ये 10 भाग था, आपने 10 में से 1 निकाल दिया, तो अब इसके अंदर मिल्क कितना बचेगा? तो 9 भाग बचेगा। तो 40 लीटर मिल्क था, 4 लीटर मिल्क निकाला, पानी डाला और इस प्रोसेस को 2 और बार रिपीट किया। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि मेरे भाई क्या होगा, मिल्क था फिर थोड़ा कम हो जाएगा, मिल्क और कम होगा फिर और कम होगा, फिर तो मिल्क तो बार बार बेचारा कम होते चला जाएगा ना, कितने परसेंट से कम होगा, कितने परसेंट से? तो 4 हमारा 40 का कितना भाग है? 10% है। तो हर बार 10% से वो कम होता चला जाएगा, पहली बार में 10% कम, फिर 10% कम, जैसे गाँव की जनसंख्या होती नहीं है, 4 लोग मर गए 40 लोगों में, यानी जनसंख्या 10% से कम हो गई, यानी हर साल जनसंख्या 10% से कम हो रही है। वही बात है कि इतना हमारा सॉल्यूशन था, हमारा 4 मर गया 10 में, यानी 1 की कमी आई है 10 में, तो अब ये अपने आप का 10 में 1 की कमी, अपने आप का 9/10। और ये कितनी बार हुआ है? तो बोला गया दिस प्रोसेस वाज रिपीट 2 more time, further 2 time, यानी 2 और बार। तो इस रेशियो को 2 और बार मेरे भाई यहाँ पर लिख दो, यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, लो खेल खत्म, यही मेरे भाई आंसर है। समझ गया मेरी बात को यहाँ पर? ठीक है, आप अगर देखोगे तो आपका 0 से मेरे भाई 0 खत्म, 2 से आपका 2 बार में, 2 से आपका 5 बार में, और मेरे भाई 2 से आपका कितनी बार में? 5 बार में। 9 का क्यूब हमारा कितना होता है? तो 9 का क्यूब हमारा जो है 729, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, 25 का दोगुना हमारा 50 हो जाएगा, फिर 229 हो गया, 25 का यहाँ 9 गुना 225 हो जाएगा, 29.16 के करीब में ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, यही हमारा आंसर है। तो ये समझना होगा, देखिए कितने शॉर्ट में हम लोगों ने कर लिया, सिर्फ और सिर्फ अपनी समझदारी के कारण, कि ये हमारा क्वांटिटी था, 4 निकाला 40 में, यानी 1/10 भाग निकाल दिया, तो 10 में 1 निकाल दिया तो 9/10 बचा। जितनी बार इस प्रोसेस को रिपीट करोगे उतने बार इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को गुना करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 27 फरवरी 2023 को ये क्वेश्चन पूछा गया। और मैं क्यों कहता हूँ, आप एक बात देखोगे ना यहाँ पे, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत पहले करा रखे हैं सेम डेटा के साथ। 40 लीटर का सॉल्यूशन है, 4 लीटर निकाला है, इस प्रोसेस को 2 बार रिपीट किया है, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इन द सिरप। अब ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले करा रखा है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि किसी भी बच्चे को है ना, कोई भी अगर मान लीजिए यहाँ पर कंप्लीट करना हो, कोई भी टॉपिक कंप्लीट करना हो, सिर्फ एक चीज़ है जो मैंने एक ब्रह्मास्त्र आप लोगों के लिए बना रखी है, वो हमारा ये मैथ्स का VOD बैच है। मैं आपको भी अपना एप्लीकेशन खोल के यहाँ दिखाता हूँ, आप यहाँ देखोगे ना एक एक चीज़ मैंने इसके अंदर कंप्लीट जो है, क्या हो गया भाई यहाँ पे, ये बाय नाउ का ऑप्शन क्यों आ रहा है? मैं आपको एक इसके नोट्स दिखाना चाहता हूँ, जो आज मैंने मिक्सर के कराए हैं ना आपको, वो मैं एक बार आपको नोट दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे बाय नाउ का दिखा रहा है, पता नहीं क्यों दिखा रहा है, ठीक है, इस पर तो आईडी एक्टिवेट थी, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जब आप इसका देखोगे ना, एक एक नोट्स में हर एक क्वेश्चन मैंने बहुत तसल्ली से, आज के समय में पेपर में हमारा जितना क्वेश्चन आता है सारे के सारे मैंने करा रखे हैं ऑलरेडी, सारे के सारे क्वेश्चन। अब यहीं देखो, एक कंटेनर में 40 लीटर कंसनट्रेटेड सिरप होता है, 4 लीटर निकाल दिया जाता है और पानी से बदल दिया जाता है, और यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है, अंत में पात्र में कितना प्रतिशत घोल में चाशनी होगा। अब इस सवाल को मैं आपको है ना, बिना ये डेटा लिए 40 लीटर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, परसेंट, कि व्हाट परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी सिरप इन द कंटेनर, सिरप का कितना मात्रा है। अब आप देखो, एक कंटेनर में 40 लीटर सिरप था, यानी पूरा का पूरा जो भी था वो सिरप था, हमने 4 लीटर निकाला और उसको पानी से प्रतिस्थापित कर दिया, फिर इस प्रोसेस को मेरे भाई 3 बार, दिस द सेम प्रोसेस वाज रिपीटेड थ्राइस, हिंदी में भी अगर हम देखें यहाँ पर, तो और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई, टोटल कितनी बार दोहराई गई है, 3 बार, अंत में यहाँ कितना परसेंट है। आपको इस 40 लीटर से कोई मतलब नहीं है, आप ऐसे बोलो सर शुरू में जो भी था इस बोतल में, जैसे मानो ये बोतल है सिरप और पानी का, इसके अंदर मेरे भाई शुरू में जो भी था वो क्या था, तो शुरू में जो भी था वो हमारा सिरप था, क्या था मेरे भाई, सिरप था, यानी 100% सिरप था। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, सर शुरू में जो भी था वो मेरे भाई 100% सिरप था, हमने कितना यूनिट निकाला, 4 यूनिट, और कितने में निकाला है, तो 40 में निकाला है, यानी वही बात है, 1/10 की हमने कमी कर दी है, तो 10 में 1 हमारा कम हो गया है। अगर मेरे भाई 10 में 1 की कमी हो गई है, तो यह अपने आप का कितना हो गया, तो बोलोगे
बोलोगे सर 9/10। इस प्रोसेस को कितनी बार रिपीट किया गया, तो एंड वाज रिप्लेस थ्राइस, 3 बार। अगर यहाँ ये बोला जाता कि इस प्रोसेस को 3 बार और रिपीट किया गया, इसका मतलब टोटल 4 बार हो जाता। बट मोर जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं है, इसलिए हम यहाँ क्या बोलेंगे कि इस प्रोसेस वाज रिपीटेड थ्राइस, यानी ये 3 बार हुआ है। तो इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को कुल मिलाकर हम कितनी बार लिखेंगे मेरे भाई, तो इस मल्टीप्लाइंग फैक्टर को कुल मिलाकर, अच्छा 3 बार और, एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। एंड द सेम प्रोसेस वाज रिपीटेड थ्राइस, अच्छा इसके बाद 3 बार और रिपीट हुआ है, 3 बार और रिपीट हुआ है मेरे भाई, यानी टोटल 4 बार हुआ है। देख लीजिए कि एक कंटेनर में इतना लीटर है, 4 लीटर निकाला गया, पानी से बदला गया, और यह प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई, यानी उसके बाद 3 बार और दोहराई गई है। तो 3 बार और दोहराई गई है, तो कुल मिलाकर इसको हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार मेरे भाई मल्टीप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। 100 से हमारा 100 खत्म, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, और 9 का स्क्वायर हमारा कितना हो गया 81, और बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। 81 का मेरे भाई स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर, ये समझो। तो 81 का हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। निकाल सकते हैं बताइए, 81 का हमारा स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 8 × 8 = 16, का 6, 1 × 8 = 64, 1 = 65, 6561। तो यहाँ बोलेंगे सर 6561, और बट्टे में 100, यानी इतना परसेंट जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है यहाँ पर। हालांकि मुझे लगता है ऐसा सवाल कि यहाँ मोर जैसे शब्द का इस्तेमाल और करना चाहिए था, एंड द सेम प्रोसेस वाज रिपीटेड थ्राइस मोर, यहाँ मोर शब्द आ जाएगा ना, तो और इस सवाल में सोने पे सुहागा वाला काम कर देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या कहा शुरू में, ये अपने आप में कितना परसेंट था, 100%। 4 लीटर निकालते हो 40 में, आप कितना निकालते हो, 4 निकालते हो 40 में, यानी आप 1/10 भाग को निकाल लेते हो, तो बच कितना जाता है, 9/10 भाग, तो 9/10 भाग बच गया। 4 बार प्रोसेस को रिपीट किया गया, 4 बार गुना कर दो, यानी इतना परसेंट बच गया है। तो हमेशा बचा हुआ भाग निकालते हैं। अब यहाँ पर मैंने कोई और भाग क्यों नहीं निकाला, जो ऐड हो रहा है वो क्यों नहीं निकाला, उससे मतलब नहीं है, जो भाग बच रहा है उसको कैलकुलेट करो, ठीक है। मज़ा आ रहा है ना मेरे भाई, अगर अच्छा लग रहा है तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने बाकी दोस्तों तक शेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए आ जाइए मेंस में भी क्वेश्चन देखिए, 2022 में हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया सेम, कि 100 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल दिया जाता है और उतना ही दूध डाल दिया जाता है, यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। देखो अभी आ गया ना और शब्द, इसलिए मैं कह रहा था और शब्द आ जाता है तो वो एक मोहर लगा देता है कि 1 बार पहले हो गया था, 2 बार और हो गया, यानी कुल मिलाकर 3 बार हो गया। तो अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है, मैंने है ना, देखो शुरू में आपसे क्यों कहता हूँ, मैं VOD बैच की इतनी तारीफ क्यों करता हूँ, आज के समय कोई भी स्टूडेंट मुझसे मिलने आता है, सर VOD बैच का स्टूडेंट हूँ। आप अभी देख लीजिए सनी कुमार सिंह जो आए हैं, ठीक है, जो हमारे ऑल इंडिया रैंक 21 हैं CGL में, 2021 की अगर मैं बात करूँ तो 21 या 27 पता नहीं, जो भी है, जो भी आए थे ऑफलाइन में, मिले भी थे, मिठाई विठाई लेकर आए थे, मोबाइल में ही सामने खोल के सबके सामने दिखाया कि रिकॉर्डेड बैच के स्टूडेंट हैं, और ये भी कहा कि हम इस बैच से पढ़े हैं और आज हम इस बैच को दूसरों को ट्रांसफ़र कर चुके हैं, वो उससे पढ़ते हैं। कारण पता है क्या है, जब भी मैंने कोई चैप्टर इसके अंदर रिकॉर्ड किया ना, तो इस माइंडसेट से हमेशा किया हुआ था यहाँ पे कि मुझे इस बैच के अंदर कंप्लीट डिटेल देना है, बच्चे को एक एक टाइप बताना है, एक एक वैरायटी बताना है, कुछ छूटे नहीं, कुछ बचे नहीं, कंप्लीट कराया मैं तसल्ली से, 1 साल 1.5 साल का वक्त लेकर मैंने कराया। इसलिए जिन चैप्टर्स को बहुत परफेक्ट वे में पढ़ा रखा है उनको मैं अपडेट नहीं करता हूँ, आवश्यकता ही नहीं है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। और जहाँ लगता है कि हाँ इस बार कुछ नया पूछा गया वो मैं अपडेट भी कर देता हूँ VOD में, तो बच्चे को दोनों हाथों में लड्डू मिल जाता है। अभी अलजेब्रा उसके अंदर पूरा अपडेट कर दिया, लेकिन कुछ टॉपिक्स अपडेट ही नहीं किए मैंने, जानकर नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन उससे बाहर अभी आ ही नहीं रहा है, ठीक है। पूरा मास्टरपीस करा रखा है यहाँ पे, तो इसीलिए सबसे बेनिफिट होता है यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ अब इस क्वेश्चन में देखो, ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया, शुरू से सवाल क्या पूछा जाता था कि मेरे पास एक कंप्लीट मिक्सचर है, उसमें से मैं निकाल रहा हूँ, जैसे सिर्फ और सिर्फ सिरप ही है, उसमें से निकाला पानी डाल दिया, सिरप में से निकाला पानी। अब सवाल ऐसा आ गया मेरे भाई कि मेरे पास एक 100 लीटर का मिश्रण है, उस मिश्रण में दूध भी है और पानी भी है, मतलब दूध और पानी पहले से मौजूद हैं, निकालता पूरा मिश्रण हूँ और डालता उसके जगह पर क्या हूँ, तो उतना ही दूध डाल दिया जाता है। इस क्वेश्चन को जान के दिया गया कि बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाए, ठीक है। अब आप यहां समझो, आप ऐड क्या कर रहे हो, दूध ऐड कर रहे हो, तो आप दूध ऐड कर रहे हो तो परसेंटेज किसका निकालोगे, पानी का, और अगर आप पानी ऐड करते तो परसेंट किसका निकालते, दूध का, फर्क होना चाहिए, ठीक है। दूध ऐड करेंगे तो पानी का प्रतिशत निकलेगा, पानी ऐड करेंगे तो दूध का प्रतिशत निकलेगा, यानी जो क्वांटिटी स्थिर रहती है, जिसको ऐड ही नहीं किया जाता है, जो ऑटोमेटिक कम हो रहा होता है, उसको हम इस मेथड से निकालते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, मिल्क हमारा कितना था, 2 भाग, और वाटर कितना था, 3 भाग। तो मेरे भाई से समझ लो, मिल्क हमारा कितना परसेंट था, तो 2 भाग हमारा, देखो ऐड क्या कर रहे हो, तो
ऐड मेरे भाई मिल्क ऐड कर रहे हो, मिल्क ऐड कर रहे हो तो किसका परसेंट लोगे, वाटर का, तो वाटर कितना परसेंट था, तो बोलोगे सर 3 भाग था, और कितने में टोटल में, तो 5 में, तो 3/5 इंटू कितना हो जाएगा 100%, यानी मेरे भाई 60% हमारा क्या था, तो बोलोगे सर 60% हमारा वाटर था, तो वाटर हमारा कितना था, तो बोलोगे सर 60% हमारा वाटर था। उसके बाद 10 लीटर हमने मिश्रण निकाला है, 10 लीटर निकाल रहे हो किसमें से, 100 लीटर में से, तो 10 आप निकाल रहे हो किसमें से, 100 में से, तो मेरे भाई आपने निकाल कितना दिया, तो बोलोगे सर मैंने 1/10 निकाल दिया, 1/10 निकाल दिया तो बचा कितना, 9/10, यानी ये क्वांटिटी का बचा कितना, तो 9/10। उसके बाद दिस प्रोसेस इज रिपीटेड 2 more times, 2 और बार करना है, यानी इसको कितनी बार और करना है, तो 2 और बार मेरे भाई यहाँ पर करना है, तो कुल मिलाकर इतना। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे देख भाई इसके अंदर दूध भी था और पानी भी था, मैं हर बार पता है क्या करता हूँ, हर बार की मेरी आदत है, मैंने ऐसे पानी निकाल दिया, पूरा का पूरा मिक्सचर निकाल दिया, भर पानी दिया, सॉरी दूध भर दिया, फिर मिश्रण निकालता हूँ, फिर दूध भर देता हूँ, मिश्रण निकालता हूँ, दूध भर देता हूँ, तो इस तरीके से धीरे ना धीरे कर करके पानी की मात्रा तो कम हो रही है, यानी पानी पहले 60% था, अब उसके बाद क्या हो रहा है, पानी कम होते जा रहा है, और कितना कम हो रहा है, हर बार मैं 10 लीटर मिश्रण निकालता हूँ 100 में, यानी 1/10 भाग निकाल देता हूँ, तो 1/10 भाग पानी का भी निकलता है, 1/10 भाग दूध का भी निकलता है, लेकिन दूध डाल दिया जाता है तो पानी कम रह जाता है, तो पानी कम रह जाता है तो पानी एक बार के बाद अपने आप का 9/10, फिर अगली बार फिर वापस से पानी अपने आप का कम हो जाएगा 9/10, फिर अपने आप का 9/10। कोई बच्चा बोलेगा सर दूध क्यों नहीं कम हुआ, दूध इसीलिए कम नहीं हुआ बच्चे, दूध भी कम हुआ था लेकिन फिर दूध को डाल दिया गया तो मात्रा बराबर हो गई थी, निकलते दोनों हैं वापस से दूध घुस जाता है घर में, तो रह गया कौन, तो पानी रह गया, वही वाली बात है यहाँ पे, ठीक है, तो कम तो दोनों हुए थे लेकिन दूध को डाल के भरपाया कर दिया जाता है और पानी हर बार कम होते चला जाता है, तो पानी पहले 60% था, एक बार के बाद 9/10, फिर एक बार के बाद 9/10, फिर एक बार के बाद 9/10। यहाँ पे मेंस का क्वेश्चन है हमारा, लीजिए खत्म हो गया ये सवाल, इतने भर का ही था, ठीक है। तो यहाँ पर मिल्क का परसेंटेज पूछा गया, तो मिल्क का परसेंटेज पूछा गया तो बताएंगे ये हमारा किसका निकल कर आएगा, तो वाटर का, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, 9 का क्यूब हमारा कितना होता है, 729 होता है, और 729 को 6 से गुना करो तो कितना हो जाएगा, 6 × 9 = 54, ठीक है, 6 × 2 = 12, 5 = 17, ठीक है, 7 × 6 = 42 और 1 = 43, 43.74 इतना आया, 100 से भाग कर दो, इतना परसेंट वाटर है, तो आपको इसको आंसर टिक नहीं करना, ये वाटर का परसेंट है, इसने मिल्क का पूछा है, तो इसने मिल्क का पूछा है, यानी मेरे भाई जो रह गया वो कौन हो गया, अगर वाटर हमारा इतना परसेंट है तो जो रह गया वो कौन हो गया, तो मिल्क, तो मेरे भाई 100% के मिश्रण में से हम यहाँ पर जो है 43.74 को घटा देंगे तो मेरे भाई कितना बच जाएगा, तो 56.24% बच जाएगा, ये हमारा मिल्क हो जाएगा, तो 56. कितना, ठीक है, एक सेकंड, ये 43.9 × 7 = 29 हो गया ना, 9 × 6 = 54, सही तो है, 43. एक सेकंड, 24 नहीं आएगा ना, ये 43.26 आएगा, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इतना, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझ गए मेरे भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, आ जाइए चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको प्यारा सा दिखाते हैं, CRPF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का बहुत ही बढ़िया सवाल कि 25 लीटर पानी और दूध है और उसमें 1:4 के अनुपात में मिलाया जाता है, यदि मिश्रण का 3 लीटर खाली कर दिया जाता है और 2 लीटर दूध मिला दिया जाता है, तो यहाँ इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया जाता है, तो अंतिम अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन अभी जब पहली बार आया ना, तो कल मैंने सबसे पहले आप लोगों की क्लास होने वाली थी, तो मैंने कहा इस क्वेश्चन को है ना टेलीग्राम के कम्युनिटी पे डालते हैं या यूट्यूब के कम्युनिटी पे डालते हैं और जितने हमारे डाउट ग्रुप चलते हैं उसमें डालते हैं, बच्चों को ये सवाल देते हैं, क्योंकि है ना मतलब बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, आज तक SSC के किसी भी पेपर में ऐसा सवाल तो नहीं पूछा गया था, उनमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था जैसे आप यहाँ देखो कि आप जितना निकाल रहे हो उतना ही डाल रहे हो, आप अपने सीनियर से या जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं और भी जितनी किताबें हैं मार्केट में सारी खोज के निकाल लेना, हमेशा मिलेगा तो ये सवाल मिलेगा कि 10 लीटर अगर मिश्रण निकाला है तो 10 लीटर ही डाला है, लेकिन SSC के इतिहास में पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया कि मेरे भाई अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें 3 लीटर का मिश्रण अगर निकालते हो तो 2 ही लीटर डालते हो, यहाँ पर सारा कंसेप्ट फेल हो जाता है, धरा का धरा रह जाता है, सारा फेल हो जाता है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को कोई जल्दी बना नहीं सकता अगर इसको राइट अप्रोच नहीं पता है तो, कि 3 लीटर मिश्रण निकाला 2 लीटर दूध डाल दिया, इस प्रोसेस को एक बार और रिपीट किया, खत्म कहानी यहीं पर, टाटा टाटा फिश मेरे भाई। लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने बहुत पहले करा रखा, अभी देखो आंसर भी आप लोग तुक्का भी मारोगे ना, मैं गारंटी कह रहा हूँ बनेगा ही नहीं आपसे,
ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आया बढ़िया लेवल का कि जितना लीटर हम निकालते हैं उतना अभी नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा अलग डाल रहे हैं। तो ऑलरेडी मैंने मैथ्स का जो रिकॉर्डेड बैच है आज मैंने उसी के क्लास नोट्स निकाले हैं, ठीक है। पता नहीं इसमें खुल नहीं रहा, नहीं तो मैं आपको सामने लाइव क्लास नोट्स खोल के दिखाता। अब मेरे पास आईडी भी नहीं है तो मैं आप लोगों को सीधा अभी जो है मैंने मंगाया। और बिलीव करिए, आज से 1.5 साल पहले जब मैंने आपको पूरा का पूरा पढ़ाया था ना, जब मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया था मैथ्स अपने रिकॉर्डेड बैच में, तभी मैंने ऐसे कम से कम 4 सवाल कराए थे। मैंने तुरंत को टाइपिस्ट को कह के कहा, मैंने कहा यार रिकॉर्डेड बैच के वो पूरे क्लास नोट्स मेरी निकालो मिश्रण की, तो उन्होंने निकाला। क्वेश्चन नंबर देखो यहाँ लिखा भी हुआ है 42 से लेकर 44 तक, ये मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच का मिक्सचर का क्लास नोट्स है। जो बच्चा रिकॉर्डेड बैच लिया होगा उसको अच्छे से पता होगा, उसको पता भी होगा ये उसी के बैच का क्वेश्चन है। और देखो बच्चे तुम्हारे बैच का ही क्वेश्चन हमारा आया, यानी जो चीज़ आज पेपर में पूछी गई है उसको मैंने बहुत पहले पढ़ा रखा है और हद लेवल की, जिसके लिए अभी दुनिया परेशान है कि इसका सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, वो हमारे बच्चों के क्लास नोट्स में पहले से मौजूद है। तो पहले मैं आपको ये क्वेश्चन कुछ प्रैक्टिस करवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको उस पर लेके चलता हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये देखिए, 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 11:6 है। ये सबसे पहला क्वेश्चन है रिकॉर्डेड बैच का, क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। दूध और पानी का अनुपात 11:6 है। मिश्रण में से 15 लीटर मिश्रण निकालकर 20 लीटर पानी मिलाया जाता है। इसके बाद वर्तमान मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर 40 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब बोतल में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? पहले मैं ऐसे 4-5 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, पहले मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इतना सशक्त बना दूंगा कि अगले वाले सवाल का आंसर आप लोग खुद दे देंगे, देख लीजिएगा, यकीन मानिए। तो यहाँ पर तो मैं आपसे यहाँ पर ये कह रहा था कि 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हमारा दिया गया है, 15 लीटर मिश्रण निकालकर 20 लीटर पानी मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तो पानी मिलाया जाता है, वो भी 20 लीटर। इसके बाद वर्तमान मिश्रण में से 10 लीटर निकाला जाता है, ऐसे करके। तो मैंने कहा कुछ क्वेश्चन मैं आपका इसके प्रैक्टिस करवा देता हूँ, उसके बाद आप उस क्वेश्चन को ज़रूर बना लेंगे। तो हमने यहाँ पर कहा कि 75 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। मिश्रण को निकालते हो और उसके जगह पर यहाँ क्या डालते हो? तो उसके जगह पर पानी डालते हो। मैंने कहा जो डालते हो वो ज़रूरी नहीं है, जो नहीं डाल रहे वो मेरे भाई देखो। तो मेरे भाई पानी को ऐड कर रहे हो तो पानी तो बढ़ता चला जाएगा, कम कौन हो रहा है? तो मिल्क। तो आप यहां बोलोगे सर पहले देखो मिल्क हमारा कितना था, तो 11 था। पहले हमारा मिल्क कितना था, तो 11 था, और टोटल हमारा कितना है, तो 17 है। यकीन मानिए बहुत ही लाजवाब अप्रोच आप सीखेंगे, मिल्क हमारा 11 था और टोटल हमारा कितना है, तो 17 है। उसके बाद ठीक है 75 लीटर का हमारा सॉल्यूशन था और 15 लीटर हमने निकाल दिया, तो बचा कितना? तो 75 में से 15 माइनस कर दो, कितना बच गया मेरे भाई? तो 60 बच गया। उसके बाद यहाँ पर फिर उसके बाद आपने 20 उसमें ऐड कर दिया है, कितना ऐड कर दिया है? 20। तो मेरे भाई 60 में 20 ऐड कर दिया है, तो कितना हो गया? 80 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो वर्तमान में से मेरे भाई जो है वो 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो 80 में से 10 कम कर दो, कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। और फिर उसके बाद उसमें 40 लीटर जो है वो पानी मिला दो, तो 70 में 40 मिला दोगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, ठीक है। 20 से तुम्हारा चला जाएगा 3 बार में, और 20 से मेरे भाई चला जाएगा 4 बार में, 11 से तुम्हारा ये पूरा का पूरा चला जाएगा 10 बार में, 0 से तुम्हारा 0 खत्म हो जाएगा। तो ऊपर तुम्हारा कितना आ जाएगा? 3 × 7 हमारा 21 हो जाएगा, और नीचे तुम्हारा कितना आ जाएगा? तो 17 का तुम्हारा 4 गुना कितना हो जाएगा? 34 का 2 गुना 68 हो जाएगा। अब ये मेरे भाई किस चीज़ के बारे में दर्शाएगा? आपने ये 11 क्या लिया था तो मिल्क लिया था, और ये 17 क्या लिया था तो टोटल लिया था। तो आपका जो आएगा ना वो मिल्क और टोटल ही आएगा, आपका जो आएगा मेरे भाई वो मिल्क और टोटल ही आएगा। अगर मिल्क और टोटल लिया है तो मिल्क और टोटल ही आने वाला है आपका। यानी आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर ये हमारा क्या है तो ये मिल्क है, और ये हमारा क्या है तो टोटल है। क्वेश्चन में मिल्क और वाटर पूछा है, तो मेरे भाई यहाँ पर मिल्क और वाटर की बात करते हैं। तो मिल्क हमारा कितना है तो 21 है, और वाटर की बात करोगे इसमें से इतना घटा दो यानी 47 मेरे भाई हो जाएगा, 2147। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कहा ठीक है कि बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से जो है हम यहाँ पर इस सवाल को कर सकते थे अगर इसका सही अप्रोच मेरे भाई हमें पता हो तो मेरे भाई, ठीक है। वरुण कहते हैं सर मैंने 4.2 बैच आपसे पढ़ा है और आप बहुत लो लेवल के सवाल करवाए हैं, ठीक है मेरे भाई। पहले तो जो तुम फेक आईडी से आए हो ना, तो तुमको जो है ना रिपोर्ट करेंगे बहुत गंदा वाला, हम बता रहे हैं, ठीक है। शायद तुमने पूरा बैच पढ़ा नहीं और फालतू का यहाँ बकैती काटने आ गए हो, इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत तरीके से मैं आपको बताऊँ, अगर आपने मेरा पूरा कंटेंट पढ़ लिया हो ना आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं जनाब। हम बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चंस नहीं करवाते हैं, बहुत एक रेलिवेंट क्वेश्चन कराते हैं, तरीके से कराते हैं जिसमें प्री प्लस में सारे लेवल के क्वेश्चन होते हैं,
ठीक है, तो यहाँ से जहाँ से भी जिसके भी भेजे गए चमचे हो तो जाओ वहाँ पर, फालतू के यहाँ बकैती ना करो। यूट्यूब पर क्लास चल रही है, अच्छे से चल रही है, तो यहाँ पर तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर अगला सवाल मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पर बस आपको क्या करना है, जितना मिल्क है बट्टे में टोटल, उसके बाद कम कर रहे हो तो 75 में से 15 माइनस कर दो तो 60 आ जाएगा, और उसके बाद तुरंत 20 जोड़ दो तो 80 हो जाएगा, फिर कम करो फिर ज़्यादा, फिर कम करो फिर ज़्यादा। इस तरीके से सवाल को बहुत तरीके से बना पाओगे। एक और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। देखो 70 लीटर के घोल में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। मिश्रण में से 10 लीटर मिश्रण निकालकर 40 लीटर पानी मिला दिया जाता है। इसके बाद वर्तमान मिश्रण में से 15 लीटर मिश्रण निकालकर 45 लीटर पानी मिला दिया जाता है। घोल अब दूध और पानी का अनुपात क्या है? मैंने यहाँ पर आपको ये कहा कि 70 लीटर के घोल में दूध और पानी का अनुपात इतना है। आप यहाँ देखो तो 70 लीटर सॉल्यूशन कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो इतना, 10 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट, 400 वाटर इज एडेड। यानी बार बार आप क्या ऐड कर रहे हैं? पानी ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर देखिए हमारा पहले मिल्क कितना था, क्योंकि हमने आपसे एक बात कहा कि जो चीज़ को आप ऐड करोगे ना आप उसको मत लेना, जिससे आप ऐड नहीं करोगे उसे लेना। तो आप यहाँ पर अगर सही मायने में देखो तो आपका मिल्क कितना है, तो बोलोगे सर मिल्क अपॉन टोटल से मतलब है। तो मिल्क हमारा 5 था और मेरे भाई टोटल 5+4 हमारा कितना हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। अब अगर हम तरीके से यहाँ पर देखते हैं तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? हम यहाँ ये बोलेंगे सर पहले सॉल्यूशन कितना था? 70 लीटर, उसमें से 10 लीटर मिश्रण निकाल दिया, 70 में से 10 निकल के आ गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा? तो मेरे भाई 60 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 40 लीटर पानी हमने डाल दिया, 40 उसमें डाल दिया, तो 60 में 40 डाल दिया तो कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर 15 लीटर जो है उसमें से निकाल दिया, 15 लीटर निकाल दिया तो 100 में से 15 निकाल दिया तो कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, एंड 45 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, और इसमें 45 डाल दो तो इसमें 45 डाल दो तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। तो व्हाट इज द करंट रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द सॉल्यूशन, पानी का और दूध का कितना होगा वो हम देख लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले आप इस बात को बताओ, यहाँ पे समझो। तो बोलोगे सर 20 से हमारा कितनी बार में? 3 बार में, और 20 से हमारा कितनी बार में? तो सॉरी 5 बार में। 5 से हमारा ये कितना हो जाएगा? 5 खत्म हो जाएगा। और अगर हम काटें तो 3 से हमारा कितनी बार में चला जाएगा? 3 बार में। 5 से हम काटेंगे तो 17 बार में, 5 से काटेंगे तो 26 बार में। तो कुल मिलाकर रेशियो हमारा 17, और बट्टे में यहाँ 26 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 78। यानी ये हमारा क्या है तो मिल्क है, और ये हमारा क्या है तो टोटल है। एग्जामिनर कभी मिल्क अपॉन टोटल नहीं पूछता, वो मिल्क और वाटर पूछता है। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया। मिल्क हमारा कितना है? तो 17 है, और 78 में से अगर हम इसे माइनस कर देंगे तो मेरे भाई 61 आ जाएगा। यानी यहाँ पर 17:61 ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। सीख गए आप लोग ये टाइप? तो जिस सवाल ने हड़कंप इतना ज़्यादा मचाया हुआ है पेपर में अभी राइट नाउ, जिसके लिए लोग सॉल्यूशन पे सॉल्यूशन ढूंढने जा रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, उसको अगर आप सही से देखेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन हमने करा रखे हैं पहले ही वीओडी बैच में। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक और सवाल जो हमने कराया हुआ था बहुत समय पहले, आप देखो कितने बड़े बड़े क्वेश्चन हमने सारे करा रखे थे, इसलिए मैंने कहा इस लड़कों को ही फर्जी इंसान है। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं यार। जब भी मैं अभी आप YouTube से ही मेरे को एनालाइज कर लो कि मैंने कितने जीरो लेवल और लो लेवल के साथ मैंने सेशन को शुरू किया था, और अभी आप सेशन के एंड पर हैं तो अभी आप किस लेवल पर हैं। तो जब मैं YouTube पर डेली इस तरीके का कंटेंट दे सकता हूं, तो भाई एप्लीकेशन पर क्यों नहीं दे सकता? वही इंसान YouTube पर ऐसा पढ़ाएगा तो एप्लीकेशन पर क्यों लो लेवल का कंटेंट देगा यार? तो कुछ एक आधा चमचे किसी के भेजे गए होते हैं, आके बकैती काटते हैं, दिमाग तो बहुत ख़राब होता है, लेकिन क्या करें, सहना पड़ता है, देखना पड़ता है। ठीक है, 105 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो इतना, 25 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 15 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इन द करंट मिक्सचर, 5 लीटर ऑफ द करंट मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इन द करंट मिक्सचर, अगेन 24 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 32 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड इन द करंट मिक्सचर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर। ऐसा सवाल बहुत पहले 1.5 साल पहले करा दिया। ठीक है, समझो यहाँ पे कि दूध और पानी का मिश्रण इतना था, और ये इस तरीके से करके हमने बच्चों को सिर्फ एक बात सिखाया कि तुम यहाँ बार बार मिश्रण निकालते हो और डालते क्या हो? पानी। मिश्रण निकालते हो, डालते क्या हो? पानी। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? तो तुम्हें यहाँ किस चीज़ का ध्यान रखना है? तो मेरे भाई देखो, दूध और पानी, ये मिल्क है और ये मेरे भाई वाटर है, आपको मिल्क उठा लेना है। तो बोलोगे सर मिल्क अपॉन टोटल देखा जाए, तो मिल्क हमारा कितना है? 3 है, और टोटल हमारा कितना है? तो 7 है। फिर उसके बाद कहा गया दूध और पानी मिश्रण कितने का था? 105 का था, और उसमें से 25 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया, 105 में से 25 घटा दो तो तुरंत तुम्हारा कितना
इतना हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर 80 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 15 लीटर पानी जो है वो मिला दिया गया, 80 में 15 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मिश्रण में से 5 लीटर मिश्रण निकाल दिया गया, 95 में से 5 निकाल दिया गया तो कितना आ गया, 90 आ गया मेरे भाई, ठीक है। फिर उसमें से 10 लीटर पानी मिला दिया गया, इसमें 10 लीटर मिला दिया गया तो कितना हो गया मेरे भाई, 100 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर कहा गया पुनः वर्तमान मिश्रण में 24 लीटर निकाल दिया गया, उसके बाद कहा गया उसके बाद पुनः वर्तमान में से 24 लीटर मिश्रण निकाल कर 32 इसमें से 24 निकाल दो, कितना हो जाएगा, 76। और फिर मेरे भाई उसमें जो है 32 लीटर पानी मिला दो, 32 ऐड कर दो, इसमें मेरे भाई 32 ऐड करोगे तो 76 में 32 ऐड कर दो, तुम्हारा कितना हो गया, 108, तो यहाँ 108 हो जाएगा। और लास्ट में मेरे भाई पूछता है दूध और पानी का वर्तमान अनुपात क्या है, एक चाइना का बच्चा भी यहाँ पर जो है ना वो भी आके बता देगा कि अब इस सवाल का आंसर क्या होगा। फटाक देना मेरे भाई, देखो यहाँ पे क्या बोलोगे, बोलोगे सर इतना आसान सवाल है, देखिए 0 और 0 से हमारे दोनों 0 खत्म हो गए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पर, तो जैसे 19 का ये 4 गुना है और ये 19 का कितना गुना है, 5 गुना है, और हमारा कोई संख्या कटने वाला है तो बोलेंगे हाँ सर ये हमारा 3 से कट जाएगा, कितनी बार में, तो 3 से हमारा 36 बार में कट जाएगा, और हमारा कोई संख्या कटेगा तो जी हाँ 9 और 4 से पूरा का पूरा 36 चला जाएगा। हमारा कुछ मेरे भाई बचेगा तो बोलोगे नहीं सर ऊपर हमारा कितना है, तो ऊपर हमारा 8 है और नीचे हमारा कितना है, तो 7 × 5 = 35 है। हमने रेशियो मेरे भाई किसका लिया है, मिल्क का और टोटल का, तो ऊपर वाला मिल्क होगा और नीचे वाला क्या होगा मेरे भाई, टोटल होगा। और पूछा क्या है, तो मिल्क और वाटर, तो हमने मिल्क और वाटर बताना है, तो ये हमारा मिल्क हो गया और 35 में से 8 घटा दोगे तो वाटर कितना हो गया, 27 हो गया, 8:27, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कहो ना प्यार है मेरे भाई, ठीक है, क्लियर है ये बात। अब देखो आकर अब इस सवाल के आगे आपका ये CRPF हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन आपको कितना हल्का लगने वाला है, यानी वो क्वेश्चन जिसने सबके नाक में दम किया है, सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है कहीं पे, बच्चे परेशान हैं, वो सवाल कितना हल्का लगेगा, तो उस लेवल का कंटेंट मैंने पहले ही पढ़ा दिया था आपको VOD बैच में। अब बोला है ये मैं 25 लीटर पानी और दूध है जिसमें 1 और 4 के अनुपात में है, यदि मिश्रण का 3 लीटर खाली कर दिया जाता है और 2 लीटर दूध मिला दिया जाता है और इस प्रक्रिया को एक बार और किया जाता है, अंतिम अनुपात में क्या होगा बताओ, ठीक है। व्हाट विल बी द फाइनल रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। हमने कहा देखो इस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट है, और बस वो ट्विस्ट यहाँ पर ये है कि मैंने जितने सवाल करवाए उसमें पानी डाला जा रहा था और दूध निकाला जा रहा था, इसमें उल्टा है, इसमें और 2 लीटर दूध मिला दिया जाता है, यानी इसमें बार बार दूध को डाला जा रहा है। और मेरे भाई यदि यहाँ पर दूध को डाला जा रहा है तो हम उस चीज़ की वैल्यू को लेंगे जो मेरे भाई कम हो रहा है, समझ रहे हो मेरी बात को, दूध ऐड कर रहे हो तो कम कौन हो रहा है, पानी। तो यहाँ पर अगर सही से देखो तो पानी और दूध, यानी ये वाटर है और ये हमारा मिल्क है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, तो बोलेंगे सर वाटर अपॉन टोटल, मिल्क को ऐड करोगे तो वाटर लेंगे, वाटर को ऐड करोगे तो मिल्क लेंगे, बस मेरे भाई। तो यहाँ पर वाटर हमारा कितना पार्ट है, तो वाटर हमारा 1 पार्ट है और टोटल मेरे भाई कितने के, तो 5 के, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो तो 25 लीटर में 3 लीटर खाली कर दिया, तो 25 में 3 खाली कर दिया तो बचा कितना, 22 यहाँ पे। फिर उसके बाद 2 लीटर दूध मिला दिया गया, तो 2 लीटर दूध मिला दिया गया तो 22 में 2 मिला दिया तो 24 हो गया। फिर उसके बाद 24 में से फिर खाली किया गया, कितना मेरे भाई, तो 24 में से फिर 3 लीटर खाली किया गया, क्योंकि इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया गया, तो 24 से 3 खाली किया गया तो 21 हो गया, और 21 में मेरे भाई 2 जोड़ दो तो वापस से कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ये जो हमारा रेशियो आएगा ये वाटर और टोटल का आएगा, किसका आएगा मेरे भाई, तो वाटर और टोटल का आएगा। यहाँ से देखो कोई संख्या हमारी कट रही हो तो हम बोलेंगे ठीक है सर हम देखते हैं, कोई संख्या अगर हमारी कट रही है तो 3 से हमारा 7 बार में, 3 से हमारा 8 बार में, 2 से हमारा 11 बार में, 2 से हमारा 4 बार में, ऊपर हमारा आ जाएगा 77 और नीचे हमारा आ जाएगा 5 × 20 = 23 × 46 = 460 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, मिल्क और वाटर बोला है भाई, तो हम यहाँ पर बहुत तसल्ली से बताएंगे ये हमारा मिल्क है और ये हमारा वाटर है, वाटर हमारा कितना है तो 77 है, और मिल्क की बात करते हैं 460 में से इसे घटा दो, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 283, कितना हो जाएगा 283 हमारा, सॉरी 383 माफ करिएगा 383। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना नजर आ रहा है, तो क्लियर हो ये बात यहाँ पे, ठीक है। रोज रात 8:30 बजे हमारी ये क्लास चलती है, तो इस सेशन में जो है यहाँ पर बहुत भी बढ़िया बढ़िया और भी सवाल है। अब समझो मेरे बात, ये हमारा नया वाला पेपर में मेंस में पूछा गया, अभी हमारे पास मिक्सचर का मैं आपका एक और क्लास लूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि आज के सेशन में हम सब कुछ वाइंड अप कर सकते हैं, लेकिन सवाल इस लेवल के हैं और बढ़िया लेवल के हैं कि मुझे अगर आपको यूट्यूब पर सारा टाइप सिखाना है तो मुझे एक और क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अभी बहुत सारे ऐसे कैटेगरी रहते हैं जो हमारे बाकी हैं, जैसे ये वाला हमारा कैटेगरी हो गया,
फिर हमारा ये वाला कैटेगरी हो गया जब दो अलग अलग जार को मिलाकर तीसरा जार बनाते हैं जो कि फेस 10 के, आप देखते चलो ये सारे क्वेश्चंस हमारे अपडेटेड हैं। फिर तीन जार को मिलाकर एक चौथा जार बनाते हैं, पांचवा जार बनाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको यूट्यूब पर कराऊंगा नेक्स्ट सेशन में, यानी कल के सेशन में कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत ऐसे टाइप हैं जो आपको सीखना बाकी है और इनके लिए थोड़ा फ्रेश माइंड से वो कराना ज़रूरी है। अभी मैं ज़बरदस्ती का खींच दूंगा ना, आपके दिमाग के सारे ऊपर ऊपर बाउंस बाउंस मारेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको मेरे भाई कल जो है वापस से 8:30 में जो है आपको लाइव आ जाना है और 8:30 में यहाँ पर जो है जहाँ से हमने छोड़ा है वहीं से कंटिन्यू करना शुरू करेंगे, वहीं से मेरे भाई उठाना शुरू करेंगे, ठीक है। बाकी जिस मैथ्स के रिकॉर्डेड बैच के बारे में बात कर रहा था वो हमारा ये रिकॉर्डेड बैच है, RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मिलता है और इसकी जो फीस है वो 699 रुपये है। 699 रुपये में कंप्लीट मैथ आप पढ़ सकते हैं और ये एक महीने की फ़ीस नहीं है, पूरे कोर्स की फ़ीस है जिसमें मैंने कंप्लीट मैथ करा रखा है, ठीक है। लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको इस बैच की मिलती है और ये एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वहाँ जाएंगे ये बैच मिल जाएगा, वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम मिलेगी। किसी प्रकार की सेवा चाहिए होगी तो आप इस नंबर पर कॉल करके बात कर पाएंगे। जिस तरीके से हमारा ये रिकॉर्डेड बैच है उसी तरीके से हमारा ये लाइव बैच भी चलता है इसी एप्लीकेशन पर। जो बच्चे डेली लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं वो लाइव बैच लेकर क्लास मेरे भाई पढ़ सकते हैं। ये भी हमारा RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर है, इसकी फीस 899 है। और जिस तरीके से हमारा लाइव बैच है वैसे ही हमारे सारे के सारे टीचर्स के कॉम्बो हैं, मैथ स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, GS स्पेशल लेने से बेहतर है कॉम्बो स्पेशल आप ले सकते हैं जहां पर आपको 2500 रुपये में सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं 1100 के डिस्काउंट के साथ। तो कल के सेशन में आप लोग लाइव रहना, अगर आप कुछ अच्छा सीखना चाहते हो तो, बढ़िया सीखना चाहते हो तो, मैं यूट्यूब पर 1% की कमी नहीं कर रहा हूँ आप लोग को पढ़ाने में, आप लोग भी बढ़िया तरीके से पढ़ो। बाकी जिन्हें कंप्लीट मैथ पढ़ना है, एकदम बेसिक से पढ़ना है और जीरो लेवल से जाके एकदम हाई लेवल तक की सारी बातें सीखनी है ना, इस बैच में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो बढ़िया से आप लोग पढ़ाई करो, अच्छे से जो है क्लासेस लो, डेली लाइव रहा करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी आज की PDF जो है वो हमारे इन दोनों टेलीग्राम से मिल जाएगी तो यहाँ से आप उन्हें ले पाएंगे मेरे भाई। दोनों टेलीग्राम में हमारे रैंकर्स गुरुकुल और मैथ्स भाई आदित्य रंजन। तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, ठीक है।